स्टूडेंट्स, कॉल लोग लाइव है। प्रांजल कुमार गुड इवनिंग। यार तुम्हारा नाम क्या है पढ़ने में नहीं आ रहा। गणेश यादव हेलो। सैम खान हेलो। अर्शदीप राज हेलो। निशि ठाकुर क्या हाल है। प्रयाग हेलो। अर्शदीप गणेश लव सैम सब लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए प्लीज। निशि ठाकुर प्रयाग आप भी शेयर कर दीजिए जिससे बाकी लोग भी आज ये इंफॉर्मेशन सेशन का फायदा उठा पाए। शिवानी धीमन हेलो। सैयद साकिब क्या हाल है। राहुल वर्मा गुड इवनिंग। गाइस वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू सैम। बोलो सैयद। थैंक यू अर्शदीप गणेश यादव आपने भी शेयर कर दिया। थैंक यू वेरी मच। राहुल वर्मा शिवानी आप भी शेयर कर दीजिए जिससे ज्यादा लोग ज्वाइन कर पाए सेशन को। अभी धनंजय को आने में वैष्णवी गुड इवनिंग आपने हमारे कोर्स में ज्वाइन कर लिया है वेलकम। अखिल राणा गुड इवनिंग। कृष्णा सिंह गुड इवनिंग। मोइन समीन आई एम वेरी गुड। हाँ ब्रॉड वाला सेशन है। धनंजय का फ्लाइट थोड़ा लेट हो गया है तो अभी वो 15-20 मिनट में पहुंचेंगे यहाँ पे। तो गाइस सब लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए प्लीज जिससे ज्यादा लोग ज्वाइन कर पाए। गणेश थैंक यू। कृष्णा वैष्णवी अखिल सैयद साकिब सब लोग शेयर कर दीजिए प्लीज। अब्रॉड वाला अब इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो गया है कंसिडरिंग कि प्राइवेट कॉलेजेस का इंडिया में क्या फीस चल रहा है। तो देखते हैं मैं उनसे सवाल पूछूंगा आपके जो काफी सारे सवाल होंगे और होपफुली आप लोग को फायदा होगा। थैंक यू सैयद। हाँ धनंजय मोक्ष वाले ज्वाइन करेंगे। अर्पित सूद हेलो। अर्पित आप भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। गाइज सारे लोग प्लीज जो भी लाइव है शेयर कर दीजिए। मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है। अच्छा सेशन है। अच्छा इन्फॉर्मेशन सेशन है। काफी लोग को आपको फायदा होगा इससे तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्या सर आप हमारी हेल्प भी कर रहे हो और थैंक यू भी। हाँ चलिए ठीक है आप लोग भी यहाँ पे हैं वो भी अच्छी बात है। गाइस प्लीज शेयर करिए लव। जिन जिन लोगों ने शेयर नहीं किया प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए जिससे और लोग ज्वाइन करें इसे प्लीज। धनंजय को मैंने रिक्वेस्ट किया वो सिर्फ इस काम के लिए फ्लाइट पकड़ के आ रहे हैं बॉम्बे से तो प्लीज यार इस नहीं 20 मिनट बाद आ जाओ कोई इश्यू नहीं। आशती शेयर कर दीजिए गाइस जो भी लोग लाइव है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। फैजान खान थैंक यू वेरी मच। और कौन लाइव है। शशि भूषण सर क्या हाल है। शशि भूषण सर को सब लोग गुड इवनिंग बोल दीजिए। जबरदस्त केमिस्ट्री टीचर है हमारे प्लेटफॉर्म पे। इन्होंने काफी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई है। हरकिरण सिंह गुड इवनिंग। यार जिन लोगों ने वीडियो शेयर नहीं किया प्लीज शेयर कर दीजिए दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू लव आपने शेयर कर दिया। बाकी लोग भी शेयर कर दीजिए काफी सारे लोग लाइव हैं। थैंक यू हरकिरण आपने भी शेयर कर दिया है। और क्या चल रहा है गाइस। मीर फहीम ब्लडी टीचर
चलिए, एक स्पेशल आदमी आ गए हमारे बीच में, मीर फहीम। इनके डायलॉग झेलने पड़ेंगे अब। और कौन लाइव है गाइस? शिवानी नेगी, गुड इवनिंग। कोई बात नहीं, किरण, ऑल दिस गोज ऑन, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। मनीष ओझा भी लाइव हुए हैं पर वो दिखाई नहीं दे रहे। चैतन्य शिरके, एमबीबीएस इन विच कंट्री? विकास भकल, हेलो। साइम खान, टेंशन मत लो। अंजलि सिंह, इज इट गुड टू डू एमबीबीएस इन अब्रॉड? अंजलि, इन्हीं सवालों का मैं जवाब पूछूंगा धनंजय से। कितना खर्चा होता है, कौन से कंट्री में जाना चाहिए, जब वापस आते हैं तो क्या तकलीफें होती है, नहीं होती, पीजी परसू करना चाहते हैं तो क्या होता है? यार मुझे नहीं पता, अब्रॉड के बारे में धनंजय आके बताएंगे। मैं धनंजय से चेक कर लेता हूँ वो कितना दूर है। धनंजय, धनंजय, विकास, चैतन्य, अंजलि, प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए अपनी टाइमलाइन पे। अंजलि अरे जबरदस्त है, मतलब आप अभी भी पार्टी में नहीं ठीक है। थैंक यू विकास। तो गाइस ऐसा है कि धनंजय लेट चल रहे हैं, 30 मिनट में आएंगे आपसे, तो आप लोग यदि 30 मिनट में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी लोगों को कुछ और डिस्कशन करना है तो कर लीजिए। अब्रॉड के बारे में कुछ सवाल मत पूछिएगा, उसे धनंजय जब आएंगे तब डिस्कस कर लेंगे। तो अभी उन्हें 30 मिनट और लगेंगे। अब उन्हें फ्लाइट लैंड की है, टैक्सी में बैठे, एयरपोर्ट से निकले, दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो उनको आने में 30 मिनट लगेंगे यहाँ पे। चैतन्य, अंजलि, आप भी शेयर कर दीजिए। और बताइए गाइस, और क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में? मेरा दिल कर रहा है कोई कुर्सी लाके बैठ जाता हूँ, नहीं तो मैं सुपर थकने वाला हूँ। लोग शांत क्यों है भाई, कुछ बोलिए। अबीश खान, गुड प्रेपरेशन सर। कुलदीप चौधरी, हेलो। हरकिरण सिंह, टेंशन किस बात की है? के आनंद राव, गुड इवनिंग। निशि ठाकुर, कुड यू आंसर मी? निशि, आपने क्या पूछा था मेरे से? आपके सवाल का वापस जवाब ढूंढ लेते हैं। निशि ठाकुर, निशि ठाकुर, निशि ठाकुर ने क्या बोला? निशि अपना सवाल वापस पूछिए, मैं देख नहीं पा रहा। जगप्रीत सिंह, खर्चा अराउंड कितना होगा? जगप्रीत यार, ये सारे सवाल चलो लिख लेते हैं, क्या क्या सवाल पूछेंगे धनंजय से। विच कंट्रीज, एक तो ये पूछ लेंगे। लैंग्वेज प्रॉब्लम्स ये पूछ लेंगे। एक्सपेंसेस टोटल ये पूछ लेंगे। रहने खाने पीने का, ट्यूशन वगैरह सब कुछ क्या है? एमसीआई रिटर्न टेस्ट उसके बारे में पूछ लेंगे। पीजी स्कोप इसके बारे में पूछ लेंगे। आपको और कोई सवाल पूछना है तो बता दीजिए। ठीक है, ये 5 सवाल मोटे मोटे पूछ लेंगे।
अंकुदून, आई एम 12th बायो स्टूडेंट, वेयर शुड आई गो इन दिल्ली फॉर नीट प्रेप? या दिल्ली में आप जनकपुरी में ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे अच्छे सेंटर हैं। आप ऐसा करिए, मुझे यहाँ पे एक मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको कुछ अच्छे सेंटर्स रेकमेंड कर दूंगा। यदि आप फिजिकल कोचिंग लेना चाहते हैं, ऑनलाइन लेना चाहते हैं। नहीं यार आनंद राव, अभी नेक्स्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। धनंजय सर अब्रॉड के एक्सपर्ट है। अर्णब कुंडू सर, कौन से स्टेट नॉन डोमिसाइल को एक्सेप्ट कर रहे हैं? उत्तराखंड, यूपी और कर्नाटका प्राइवेट कॉलेज के लिए, ऑब्वियसली गवर्नमेंट कॉलेज के लिए वो नहीं है। तबीज कांसर, नीट की प्रिपरेशन के लिए कुछ टिप दीजिए। यार मैंने कल बताया था, हाँ तो मैंने लिख लिया यार, ये एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट वाले जो डिटेल है ना, ये भी लिख लिया है, तो साइम हम इन्हें डिस्कस कर लेंगे। यूएसएमएलई चांसेस, ये यूएसएमएलई क्या है, ये भी जरा समझ लेंगे। यूएस एमएलई, ठीक है। हाँ तो तबीज देखिए, मोटा मोटा ये है कि कुलदीप चौधरी के लिए कुछ टिप्स, कुलदीप चौधरी और तबीश खान एक ही सवाल पूछ रहे हैं, इसका जवाब देता हूँ। सहायक भट्टाचार्य, बैंक फाइनेंस मिलेगा? हाँ यार बैंक फाइनेंस मिल जाता है, पर कोलैटरल लगता है। डिग्री की वैल्यू, यार डिग्री की वैल्यू, वैल्यू ऑफ अब्रॉड डिग्री, चलो गुड क्वेश्चन, ठीक है। अंजीत सिंह, इन इंडिया प्राइवेट हैज वेरी हाई फीस स्ट्रक्चर एंड गवर्नमेंट हैज वेरी लो सीट्स, वांट टू डू एमबीए, व्हाट टू डू? हाँ अंजलि, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कुछ नहीं कर सकते यार। देखो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, सैम खान का भी सवाल है कि ऑनलाइन कोचिंग कैसे होती है। हम लोग ऑनलाइन कोचिंग इस तरह से करते हैं कि आप हमारे ऑनलाइन वीडियो कोर्स को खरीदते हैं, आपको 480 घंटे के वीडियोज मिलते हैं, उसके साथ एक शेड्यूल मिलता है कि हर हफ्ते आपको कौन कौन से दो चैप्टर कंप्लीट करने, क्योंकि अब से लेके नीट के अंदर जितना टाइम बचा है, हर हफ्ते आपको दो चैप्टर कंप्लीट करना है। हर एक वीडियो चैप्टर के साथ चैप्टर वाइज टेस्ट होता है। एग्जाम से 2 महीने पहले 10 फुल टेस्ट का सीरीज होता है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, और उसके अलावा आपके कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप वो पोस्ट कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और हम लोग उसका 24 घंटे में जवाब देते हैं। तभी ये नंबर है 9431430060। अशोक अल्दार्ती, ब्रिंस वीडर इज गुड कॉलेज, 12 ईयर ओल्ड विद प्री क्लिनिकल कोर्सेज इन, आई एम फ्रॉम बीदर। यार मुझे बीदर का पता नहीं है, चेक करना पड़ेगा। पूजा रॉय, हम बजट का डिस्कशन कर लेंगे। अर्णब कुंडू, एक और क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अगर हम यूएसए एमएलई क्लियर करके आए तो क्या फिर हम लोग को एफएमजी देना पड़ेगा? एफएमजी रिक्वायर्ड इफ यूएस एमएलई इज क्लियर, ठीक है, गुड क्वेश्चन। अर्णब कुंडू, मैंने आपका ये क्वेश्चन लिख लिया है। विश्वराजन हेलो गाइस, तो ऐसा है, अशोक, प्रांतिक, तबीश, पूजा रॉय, अर्णब, सब लोग यार प्लीज ये वीडियो शेयर कर दीजिए। अंजलि आप भी शेयर कर दीजिए, मयंक गोयल, सायक, आनंद राव, कुलदीप चौधरी, गाइस प्लीज वीडियो शेयर कर दीजिए अपनी टाइमलाइन पे, जिससे और लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अभी धनंजय को ज्वाइन करने में 20-25 मिनट्स है। सरफराज, हम सारे डिस्कस करेंगे, कौन सा, ये जो सारी चीजें है ना, इन चीजों के अराउंड ये सारे ऑप्शन डिस्कस करेंगे। फिलीपींस, रशिया, चाइना, यूक्रेन, जॉर्जिया, अमेरिका, जर्मनी, सब कुछ डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो यार मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपनी टाइमलाइन पे, काफी सारे लोग लाइव हैं, प्लीज शेयर कर दीजिए इसे अपनी टाइमलाइन पे। आज हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से सेशन अरेंज करा पाए, धनंजय बहुत बिजी चल रहे हैं। हाँ यूएसए भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। साकी मोहम्मद सर, 2 साल ड्रॉप करके 429 नंबर लाया हूँ, ओबीसी हूँ, मिडिल क्लास हूँ, क्या सर आगे कुछ समझ नहीं आ रहा?
आनंद राव थैंक यू वेरी मच गाइस, सरफराज, अर्णा, पूजा रॉय, आप भी प्लीज शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। साकिब मोहम्मद, ताबिश खान, अशोक अल्दार्ती, प्रांतिक प्रतियार, शेयर कर दीजिए यार। अच्छा डिस्कशन हो जिससे काफी सारे लोग सवाल पूछे और सारे सवालों का जवाब मिल जाए। जितने लोग होंगे यहाँ पे उतना अच्छा है, क्योंकि हर जने का अपना कुछ कुछ सवाल होगा और उससे सबका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। और बताइए, मैंने किसी का ऐसा है जिसका सवाल नहीं दिया? तबीश खान ने पूछा था तैयारी कैसे करें। तो यार तैयारी के लिए मोटा मोटा है ना तीन चीजें हैं, नीट प्रेपरेशन है ना। तो नीट प्रेपरेशन के लिए पहले तो वन फिजिक्स की बुक, वन केमिस्ट्री की बुक और एक बायो की बुक पकड़ लीजिए, ठीक है। ये मैं रेकमेंड करता हूं, एरेटस ले लीजिए या फिर डीसी पांडे ले लीजिए या फिर ट्रूमैन ले लीजिए, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए पी बहादुर ले लीजिए और बायो के लिए डॉक्टर अली ले लीजिए। पहली चीज तो ये हो गई, ये है अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। इसके साथ प्लस एनसीईआरटी पढ़नी है, प्लस आप नीट प्रेप का ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं कोर्स, या फिर आप कोचिंग कर सकते हैं। अब इसमें यही है, यदि आप लोग ड्रॉप कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि कोचिंग में जाने का फायदा नहीं है। नीट का ऑनलाइन कोर्स पेन ड्राइव के साथ 20,000 रुपीज का है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोचिंग में जा रहे हैं, 1,00,000-1,50,000 रुपए खर्च होगा। यू कैन यू ऑल्सो हैव दैट ऑप्शन कि अगर ठीक है, कॉमेट के में नॉन कर्नाटका को कितना मार्क्स तक मिल सकता है? यार वो जो है नंबर करीब 490-500 के आसपास है। फॉरेन से एमबीबीएस के बाद एमसीआई का एग्जाम देना पड़ेगा क्या? हाँ देना पड़ेगा, जब आप वापस आएंगे इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं एमसीआई का एग्जाम देना पड़ेगा। तभी से आप मैसेज भेज दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अपना नाम लिख दीजिएगा प्लीज। यार मुझे नहीं पता अर्शदीप, ये जो सवाल है ये इसने पूछा था, क्या नाम है इसका, कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है, अर्णब कुंडू ने पूछा था, तो हो सकता है सवाल ठीक सवाल नहीं है। सर सीजीएल के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी हैं? सीजीएल क्या है? बीडीएस के लिए कितने मार्क चाहिए? बीडीएस यदि आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाने को तैयार हैं तो आपका सिलेक्शन इवन 350 नंबर पे भी हो जाएगा, पर जनरली इवन गवर्नमेंट कॉलेज सीट्स भी खाली जाती हैं, ठीक है। और फीस बहुत ज्यादा नहीं होती गवर्नमेंट के अंदर, मतलब टोटल बीडीएस आपका 1,25,000 रुपए में हो जाएगा। 420 SC कैटेगरी, बहुत ज्यादा चांस है। शिवानी आप कौन से स्टेट की डोमिसाइल है? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपका इंडिया में बढ़िया एडमिशन हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। तो गवर्नमेंट कॉलेज में हो रहा है तो कोई अब्रॉड वगैरह कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। अच्छा दामोदर जी क्या गड़बड़ है जरा बता दीजिए, मैं भी आपसे सीख जाता हूँ थोड़ा कि क्या रॉन्ग काउंसलिंग हो रही है यहाँ पे। अच्छा अमिताभ बच्चन आ गए भाई साहब। दामोदर जी को हेलो बोल दीजिए, इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, कह रहे हैं हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे हैं सब बकवास है।
सर जनरल में गवर्नमेंट का कट ऑफ क्या होता है? मैं यूपी से हूँ यार, यूपी में डोमिसाइल में कट ऑफ 550 के आसपास जाना चाहिए, ऑल इंडिया का कट ऑफ 570 के आसपास गया था। गणेश यादव, ये वाला डिस्कशन में कर लेंगे, एफएमजी क्लियर नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? दामोदर, मेरा रिक्वेस्ट है, ये मेरा प्लेटफॉर्म है, तो प्लीज गेट आउट ऑफ दिस प्लेस। मुझे आप जैसे जोकर यहाँ पे नहीं चाहिए, तो आप बहुत बड़े हीरो हैं, तो प्लीज यहाँ पे टाइम खराब मत करिए। मैं आप लोग के सामने कुछ भी नहीं हूँ, तो प्लीज यहाँ से चले जाइए। प्लीज टाइम खराब मत करिए, मेरा रिक्वेस्ट है। इतना बात सुन लीजिए कि मेरा प्लेटफॉर्म है, प्लीज टाइम खराब मत करिए अपना, ठीक है? मैं एनीवेज आपको इस सेशन के बाद ब्लॉक कर दूंगा, पर प्लीज अभी चले जाइए यहाँ से, डोंट वेस्ट आवर टाइम। नंबर 8, व्हाट हैपेंस इफ एफएमजीई इज नॉट क्लियर्ड? ये लो गणेश, आपका सवाल लिख लिया मैंने। 720 नंबर का पेपर होता है। दामोदर आप जाइए ना यार, आपको भी पता है आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं, और मैं आपको एनीवेज ब्लॉक कर दूंगा, तो प्लीज यहाँ से चले जाइए। मेरा रिक्वेस्ट है, जस्ट गेट आउट ऑफ दिस प्लेस। साकेत शुभम, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ बार्बेडोस कैसा कॉलेज है एमबीबीएस के लिए? देखिए साकेत, मुझे आइडिया नहीं है। रॉकस्टोन नमस्ते, मुझे आइडिया नहीं है। दिस इज द डिस्कशन विच धनंजय विल हैव व्हेन ही इज गोइंग टू कम है, तो वेट कर लीजिए। हाँ, दामोदर जी ने बताया, मिस्टर ब्रोकर हेलो। यार सब लोग प्लीज दामोदर जी को अपना नंबर दे दीजिए, वो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। दामोदर जी आपका अच्छी अच्छी जगह पे एडमिशन कराएंगे, खूब बढ़िया आपका ख्याल रखेंगे। प्लीज सब लोग इनका नंबर शेयर कर दीजिए, अपना सब लोग नंबर दे दीजिए दामोदर जी को। दामोदर जी बहुत बड़े ब्रोकर हैं, इनको सारी इंफॉर्मेशन है। यार इसी टाइप के यूजलेस कैरेक्टर से बचना है, ये जो दामोदर टाइप के कैरेक्टर है ना, मतलब दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ इंडिया। ये लोग है ना करियर के साथ खेलते हैं, आके मतलब लिटरली 2 महीने ये जिंदा होते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, और उसके बाद फिर पूरे साल के लिए सो जाते हैं, ठीक है? तो मेरा बस रिक्वेस्ट ये है गाइस कि इन्फॉर्म डिसीजन लेना है। दामोदर टाइप के ब्रोकर पूरे इंडिया में भरे पड़े हैं, ठीक है? तो मतलब मैं क्या बोलूं, तो साकिब आप भी जा सकते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप भी प्लीज यहाँ से लॉग ऑफ हो जाइए, इट डजेंट मैटर इफ यू आर नॉट हेयर, ठीक है? तो आप भी यहाँ से लॉग ऑफ हो जाइए। अर्थी, मैंने आपका पॉइंट देख लिया है, तो वेट कर लीजिए, और अब हम लोग है ना दामोदर जी की बातें इग्नोर कर देंगे, एंड लेट अस गो फॉरवर्ड विद व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस। तो अभी धनंजय आ जाएंगे थोड़ी देर में, तो फिर हमारा डिस्कशन चालू हो जाएगा। उदय शेखावत, क्या हाल है? साकेत शुभम हेलो। नितेश प्रजापति, महाराष्ट्र में गवर्नमेंट फॉर डोमिसाइल स्टूडेंट, यार महाराष्ट्र में 480 के आसपास जाना चाहिए। अबीश खान, यार तबीश मैंने बोल दिया 9431430060, 9431430060, 3060। मोइनुद्दीन खान, यार राजदीप लगेगा अभी 15-20 मिनट लगेगा, आई कांट डू एनीथिंग, 15-20 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो आप कहीं पे जाके आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। सर नीट की प्रेप कैसे करूं? नीट के 2018 में 580 प्लस स्कोर कैसे करूं? इस साल कितना स्कोर किया मोइनुद्दीन, ये बताइए।
बीएचयू के लिए मार्क्स चाहिए होता है, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल चाहिए होता होगा मान्या राय सर। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जनरल स्टूडेंट को कितने मार्क्स की जरूरत होती है एमबीबीएस एंड बीडीएस में? एक्चुअली सर सेल्फ स्टडी कर रही हूँ तो हमें आइडिया नहीं है। एंड सर मुझे कुछ स्टडी मटेरियल के बारे में बता दीजिए। मैंने आपने बताया फिजिक्स में एरनलेस या डीसी पांडे या ट्रूमैन में से कोई भी एक किताब, तीनों नहीं लेनी और एचसी वर्मा नहीं करनी, एचसी वर्मा आईआईटी के हिसाब से तो इट इज नॉट यूजफुल। ठीक है, केमिस्ट्री में पी बहादुर कर लीजिए और बायो में डॉक्टर अली कर लीजिए। ये तीनों इसमें से एक एक और एक तीन किताबें आप ये अमेजोन पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ एनसीईआरटी की किताब जरूर पढ़नी है। फिर मैंने कहा आप नीट पर तो ऑनलाइन वीडियो कोर्स कर सकते हैं, आप जो भी आप कोचिंग ले रहे हैं वो कर सकते हैं। पर यदि आप अच्छी तरह पढ़ रहे हो तो इसकी भी जरूरत नहीं है, इससे काम हो जाएगा आपका। 30% नंबर आए यानी 720 में से 220 के आसपास, तो यार 580 टाइट है बॉस। क्या अब्रॉड में स्कॉलरशिप होता है? लिख लेता हूं, एनी स्कॉलरशिप्स? ठीक है, तो ये भी डिस्कस कर लेंगे। साकेत शुभम, गुरुजी इज रशिया डेनमार्क गुड फॉर एमबीबीएस, सो मेनी कॉल्स आई एम गेटिंग फ्रॉम देयर एग्जीक्यूटिव्स। यार ये हम डिस्कस करेंगे, तो कौन कौन से कंट्रीज हैं लिख लें एक बार यहाँ पे। तो कौन कौन से कंट्रीज हैं, अपने कंट्रीज हैं रशिया डेनमार्क जर्मनी यूएसए जॉर्जिया यूक्रेन चाइना और भी मुझे पता नहीं और क्या क्या कंट्री है, तो ये सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उदय शेखावत पता नहीं है, जब आपकी कट ऑफ हो जाएगी तब बता सकते हैं, पर आपके नंबर अच्छे हैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। आदेश फुरखान, व्हाट इज द फन ऑफ डूइंग एमबीए इफ वन कांट गेट ए सीट थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्लीज एक्सप्लेन सर। नहीं यार फन की बात नहीं है, इंडिया के अंदर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें फीस कहीं पे भी 65 से 70 लाख से कम नहीं है, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा, हो सकता है 65 से 70 लाख में भी थर्ड ग्रेड कॉलेज मिले। ठीक है, तो उसके मुकाबले बहुत सारे लोग अब्रॉड का ऑप्शन चूज करते हैं जिसमें फीस इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल मिल जाएगा मोइनुद्दीन 580 में। हाँ मार्क्स यही स्कोर करना पड़ेगा यदि आपको गारंटीड गवर्नमेंट कॉलेज का सीट चाहिए, ये बात तो सही है। पूजा जी वेट कर रहा हूं मैं। तबीश ये यदि स्टूडेंट्स अब्रॉड जाके एमबीबीएस करना चाहते हैं तो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन सेशन है। अमीना ये वाला क्वेश्चन भी पूछेंगे जब धनंजय आएंगे कि जॉर्जिया जाने के लिए कोई एग्जाम लिखना पड़ेगा क्या। ठीक है, हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी समझनी है। अजदीप यार देखो जैसे ही सर आएंगे मैं भी खड़ा हुआ इस गर्मी में, मैं भी उन्हीं का वेट कर रहा हूँ, ही इज फ्लाइंग इन फ्रॉम बॉम्बे। यदि आप लेट हो रहे हैं तो आप सो जाइए, और कल ये वीडियो एनीवेज फेसबुक पे अवेलेबल होगा हमारे पेज पे, उस पर देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। शिवानी धीमन, सर एचपी की मेरिट बहुत हाई गई है, मेरिट लिस्ट में मेरा रैंक 8 रैंक पीछे है ऑल इंडिया रैंक के, कोई चांस है क्या? शिवानी यार हिमाचल प्रदेश का गाइज हमने लिखा था ना कल कुछ 510 के आसपास कट ऑफ है, आप लोग को याद है क्या कल हिमाचल प्रदेश का क्या लिखा था? वॉट अबाउट नेशनल एग्जिट टेस्ट? श्रेयांश पता नहीं है मुझे इसके बारे में, ये डिस्कस कर लेंगे। गणेश मुझे जहां तक पता है कोई एग्जाम नहीं देना पड़ना चाहिए यार, इसलिए अर्शदीप की मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूं अपने घर में उस जगह पे पंखा नहीं है, पंखा थोड़ा दूर है तो मुझे हो सकता है थोड़ी देर पंखे में जाके आ रहा हूं, वो बेहतर रहेगा।
सर इस स्कोर को कैसे अचीव किया जाए? यार मोइनुद्दीन यहाँ पे मैसेज डाल दो, हम इसे डिस्कस कर लेंगे, अभी इसे डिस्कस नहीं करते, आज हम किसी और चीज के ऊपर डिस्कस करें। अर्णब कुंडू, हैव एन नोटिफिकेशन दैट वी कंप्लीट अ कोर्स फ्रॉम यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड टू अपीयर फॉर एफएमजीसी, काइंडली सर। अच्छा ठीक है, तो डू वी नीड टू अपीयर for FMGE if we do MBBS from क्या क्या बोल रहे हो, कौन कौन सी कंट्रीज है? यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, यूके, न्यूजीलैंड। यूएस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, एक धनंजय चुके। हेलो सर, मैं लाइव सेशन में हूँ, हम बाद में बात करें। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड, ये भी डिस्कस करेंगे बॉस। कोई टेंशन नहीं है यार, आई एम परफेक्टली फाइन। मुझे है ना आदत पड़ चुकी है थोड़ी मेहनत करने की, तो कोई टेंशन नहीं है। चेक कर लेता हूँ धनंजय से कितना दूर है, उनको मेरा घर ढूंढने में भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी शायद। धनंजय अल्फेज जायमा, सर हाउ नीट प्रेप इज हेल्पफुल आफ्टर टेकिंग एडमिशन इन एमबीबीएस अब्रॉड? हाँ सर, ठीक है। तो सर ऐसा है, आपने सबूत के टाइप किया था ना उसके अंदर ऊपर, ठीक है। तो सबूत के अंदर आपको गेट पे वो बता देंगे गेट कहाँ पे, अंदर आपके पूछे BA115 कहाँ पे है, तो आपको थोड़ा ढूंढने में टाइम लगेगा, BA115 उसके अंदर घुसके। चलिए ओके, राजेश हम लोग डिस्कस करेंगे ये अभी, रशिया के एजुकेशन सिस्टम, हाउ नीट प्रेप इज हेल्पफुल आफ्टर टेकिंग एडमिशन इन एमबीबीएस अब्रॉड। नहीं यार हेल्पफुल नहीं है, हमसे नीट की तैयारी कराते हैं। कुणाल मणिपाल, गुड इवनिंग सर। यार कुणाल यही वाला डिस्कशन हम करेंगे, यही वाले सारे क्वेश्चन लिखे हुए, बाय द वे नेपाल भी लिख देता हूँ, लोग नेपाल का ऑप्शन भी कंसिडर करते हैं, तो नेपाल भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चैतन्य शेखे, राजेश सर इट्स फ्रेंडली फॉर ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट बट क्लाइमेटिक कंडीशंस आर क्वाइट हार्श। चैतन्य शेखे वेरी गुड, व्हाट इफ नो, इफ वन इज नो मोर इंटरेस्टेड इन प्रिपेयर फॉर, इज देयर एनी अदर ऑप्शन लेफ्ट फॉर? यार बहुत सारे ऑप्शन है साकेत, फ्राइडे को हम लोग है ना एक सेशन करेंगे इसके ऊपर। आयुष और BDS दो मेजर ऑप्शन है, BDS होम्योपैथी, आयुर्वेदा, वेटनरी, यूनानी मेडिसिन, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ये सारे ऑप्शन है बायो स्टूडेंट के लिए, तो टेंशन होने की जरूरत नहीं है। श्रेयांश वेट कर लीजिए, ये वाली चीज डिस्कस करेंगे। करण वाईपी, सर दोज हू फेल टू क्लियर FMGE आर दे प्रैक्टिसिंग इन प्राइवेट हॉस्पिटल? यार ये पूछ लेंगे, ये वाला जो सवाल है लिखा हुआ है यहाँ पे करण वाईपी, तो वी विल डिस्कस दिस। फिलीपींस इज ऑल्सो देयर, फिलीपींस से लिख लेते हैं। फिलीपींस ठीक है, ठीक है। ऋतिक, ऋतिक, श्रेयांश, करण, साकेत, कुणाल, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपनी टाइमलाइन पे प्लीज, जिससे और लोग ज्वाइन करें। स्टार्ट करने में अब थोड़ा सा टाइम है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपनी टाइमलाइन पे जो लोग लाइव हैं। अब्दुल अजीज, सैम खान कम से कम 15 मिनट और लगेंगे, यदि आप लोग को लेट हो रहा है तो आप लोग लॉग ऑफ कर सकते हैं, कल ये वीडियो अवेलेबल होगा फेसबुक पे एनीवेज, बट मैं कुछ नहीं कर सकता, आई ट्राइड माय बेस्ट, ही इज आल्सो फ्लाइंग इन फ्रॉम बॉम्बे, तो बरसात का मौसम है, बॉम्बे से फ्लाइट लेट टेक ऑफ किया तो कुछ नहीं कर सकते।
है, तो अनुश्री भौमिक, फॉर ऑप्टिंग फॉर अब्रॉड एडमिशन इज एमसीए कोचिंग सेपरेटली इज अ मस्ट, इज एमसीआई कोचिंग मस्ट व्हेन यू गो अब्रॉड, ये वाला सवाल भी पूछ लेंगे। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, बट आपका लास्ट सीन ज्यादा दिन का है, तो आप क्या मैं रिप्लाई कर दूंगा यार, वो काफी दिन से है ना, मेरा कुछ चार्जिंग का इश्यू हो रहा है, आई विल रिप्लाई, डोंट वरी। तभी जी अनुश्री भौमिक, मैंने जवाब दे दिया। चलिए कुणाल, थैंक यू वेरी मच। यार जिन लोगों ने तनुश्री, आकाश पटवर्धन, क्या है तनुश्री, आकाश, अब्दुल अजीज, ऋतिक, करण, श्रेयांश, प्लीज शेयर कर दीजिए यार वीडियो को। टोरो प्रतीक सिंह जी, क्या हाल है, गुड इवनिंग। आदर्श फुरकान, सर प्लीज शेयर अस वैल्यूएबल कमेंट्स अबाउट बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। आदर्श 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 फुरकान जी, मुझे इस सवाल का बहुत अच्छा जवाब नहीं पता, तो जब हम आयुष से मिलेंगे, आई ड्रीम करियर से फ्राइडे को, तब हम ये डिस्कस करेंगे। बाय द वे गाइस, आप में से कोई कश्मीर से है, कोई जम्मू कश्मीर से है क्या? थैंक यू करण, मैंने देख लिया आपने शेयर कर दिया। करण वाईपी का क्वेश्चन क्या है यार, सर दोज हु फेल टू क्लियर, नहीं यार ना, मैं जवाब नहीं दे सकता, मैंने यहां पे लिख दिया आपका क्वेश्चन, ये रहा। तो जब धनंजय आएंगे ये सारे सवाल लिखे हुए हैं। व्हाट इज बीबीएससी, मुझे नहीं पता, और बीबीएससी शायद इंडियन एग्जाम ही है, तो उसका डिस्कशन जब आयुष के साथ फ्राइडे को मिलेंगे तब करेंगे। और तरुण भाई भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, जब धनंजय आएंगे तो उनसे पूछ लेंगे। अशफाक सैयद कुल्ले भी कश्मीर से, वेरी गुड। हाँ ठीक है तबीश, पर आप अगले साल नीट की तैयारी करें तो ये सेशन आपके लिए इतना यूजफुल नहीं है, तो आप लॉग ऑफ कर सकते हैं। यदि आपको अब्रॉड के बारे में नहीं जानना, आपका पहला टारगेट तो यही होना चाहिए कि आप अच्छे खासे नंबर स्कोर करें और आपको गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए। मिसालियस विवेक, सर ये एमबीबीएस अब्रॉड क्या है? एमबीबीएस अब्रॉड का मतलब है आप इंडिया के बाहर जाके एमबीबीएस करें, क्योंकि वो इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस से सस्ता होता है। हर जना जो इंडिया के प्राइवेट कॉलेज है 65-70 लाख रुपए, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। सैम खान, बीबीएससी इज वेटरनरी डॉक्टर डिग्री। चलिए चैतन्य सरकार ने जवाब दिया, थैंक यू वेरी मच। तो चैतन्य जी ये भी बताइए कि इस बार वेट में एडमिशन नीट के थ्रू हो रहा है या सेपरेट एग्जाम के थ्रू हो रहा है, मुझे भी नहीं पता। चलिए तो अच्छा सा कम्युनिटी है यहाँ पे, आप लोग काफी सारे सवालों का तो आपस में भी जवाब दे पाते हैं, तो दैट इज वेरी गुड। यही पर्पज है इस लाइव सेशन का कि हो सकता है सारी चीजें मुझे ना बताओ, बट बाकी लोग जवाब दे सकते हैं। तबीश ये सवाल पूछेंगे, एक्सपेंसेस टोटल, ठीक है, तो ये वाला जवाब धनंजय से ही पूछेंगे। वैशालियस वेट कर लीजिए, अभी जब धनंजय आएंगे इन सब सवालों का जवाब देंगे। मुझे नहीं पता कि हर एक कंट्री में कितनी कितनी फीस लगती है और क्या क्या नुआंसेस है, ठीक है। अर्शदीप अभी आवाज क्लियर आ रही है?
नीट के थ्रू सर, बट देर मेन सेंटर इज नागपुर आई थिंक। अच्छा, अनीश पारी ने भी ज्वाइन किया है। अनीश जी क्या हाल है? गणेश यादव कह रहे हैं कि जिस फॉन्ट में विसालियस विवेक लिख रहे हैं किसी को समझ में नहीं आ रहा। चलो अच्छी बात है। साकेत शुभम, गुरु जी भारतीय विद्यापीठ कैसा कॉलेज है एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए? पुणे बहुत अच्छा है भारतीय विद्यापीठ, पर तो सांगली थोड़ा एवरेज सा है वहां पे ऑफिशियल्स। हाँ यार, यही पाप है भाई साहब। साकेत शुभम जी कुछ नहीं कर सकते, यही चल रहा है। डोनेशंस, अनाप शनाप फीस, कुछ भी। हर्ष खसिया, हाँ यहाँ पे कर दो यार, मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। अपना नाम लिख देना हर्ष खसिया वहां पे। इनकेस इफ समवन कैन नॉट मेक फॉर एमसीआई, कैन ही और शी कंटिन्यू एमबीबीएस डिग्री एंड गेट जॉब इन दैट कंट्री? लिख लेते हैं। एमसीआई टेस्ट नॉट क्लियर कैन बी प्रैक्टिस MBBS इन दैट कंट्री, ये सवाल है। ठीक है, तनुषी जी लिख लिया है। यार विकास, BDS का कोई बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, तो ये भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, MBBS अब्रॉड और BDS स्लैश आयुष कोर्सेज। ठीक है, चलो ये भी लिख लिया। ठीक है आशदीप जी, मैं पहचान गया आपको। यार तभी इशू का रीजन ये है कि लिमिटेड गवर्नमेंट कॉलेज सीट्स है। लिमिट ऑफ एमसीआई टेस्ट इन इंडिया, तो चाइना में एमबीबीएस कर सकते हैं, डिस्कस करेंगे। चाइना मैंने यहाँ पे लिखा है, चाइना भी डिस्कस कर लेंगे। यार जिन लोगों ने वीडियो शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए। नहीं एग्जाम वी हैव टू क्लियर, यार एग्जाम का डिस्कस कर लेंगे। ऋतिक लिखा हुआ है, सर इज इट ट्रू इफ यू हैव कंप्लीटेड योर बीएससी और आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा फिलीपींस के मेडिकल कॉलेज के थ्रू? लिख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन है। इफ एमबीबीएस, सॉरी, इफ बीएससी फर्स्ट ईयर कंप्लीट देन एडमिशन इन सेकेंड ईयर एमबीबीएस इन फिलीपींस। चलो ये भी सवाल का जवाब ले लेंगे। यार क्या जवाब दूं करंट वाईपी का, क्या पूछ रहे हो गणेश? मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता, वो धनंजय से पूछेंगे। यहाँ पे लिख लें और बीएससी जूलॉजी। लो जी सारे बीएससी यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो ये डिस्कस। सर वन मोर थिंग, आई एम अ बीएमएस स्टूडेंट, इज इट बेनिफिशियल फॉर मी टू लेव टू लीव बीएमएस एंड गो अब्रॉड? धनंजय शायद आ गए हैं, एक मिनट। हेलो, फर्स्ट फ्लोर आ जाइए। सवालों का जब मतलब पूरा बोल्ड हो गया लोगों के सवालों से। बढ़िया आ जाइए, सो बैठो उतार लीजिए, लेट्स स्टार्ट। यस
मैं ना पिक्चर ले लेता हूँ फिर उसके बाद। गाइस एक ना धनंजय आ गए तो मैं एक बार पिक्चर ले लेता हूँ इन सवालों का और उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग। धनंजय आ जाइए, आइए धनंजय। हाय गाइस, सॉरी टू बी लेट बट फ्रेश हूँ मैं, टेंशन मत लो। ठीक है, सो तो धनंजय ऐसा करते हैं, हाँ जी, एक एक करके मैं आपसे सवाल पूछता जाऊंगा। ओके गाइस, एक मिनट के लिए सारे लोग शेयर कर दीजिए और धनंजय सर को गुड इवनिंग बोल दीजिए, फिर हम लोग ये डिस्कशन चालू करते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ। बढ़िया है, अगर ये रखें तो वन बाय वन आई विल। नहीं तो मैं चाहूंगा कि बोर्ड पे लिखते जाओ और ये लोग स्नैपशॉट लेते जाए। अच्छा ओके, ठीक है, तो ये सारे सवाल मैंने लिख लिया, एक एक सवाल ये डिस्कस किए जाएंगे आराम से। आपका फ्लाइट कितने बजे वापस? आराम से 4 बजे, 4 बजे, 3 या 4 देखना। तो आराम से 2 घंटे का सेशन कर सकते हैं। मुझे भी कल सुबह फ्लाइट पकड़ना है 8 बजे। 8 बजे का मैं कल एक्चुअली कश्मीर ट्रैवल कर रहा हूँ। सेफ है नहीं ये तो बता दिए, जगदीप अर्शदीप आपको कर रहे हैं, सैम प्रणय जगताप अंजलि सिंह गणेश यादव इश्फाक सैयद कुल्ले कुणाल मणिपाल सब लोग आपको गुड इवनिंग कर रहे हैं। गुड इवनिंग बॉस। चलिए सर, तो मुझे एक चीज बताइए। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है विच कंट्रीज, कहाँ कहाँ से बाहर से एमबीबीएस कर सकते हैं? ओके, मैं लिखता जाता हूँ, बोलते जाइए आप। व्हेन यू लुक एट दिस देन यू आर लुकिंग एट एट द केस, राइट? ओके, तो विच कंट्रीज, विच कंट्रीज, इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर दीजिए। ओके, टोटली जनरली 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर बेसिकली गोइंग टू 12 कंट्रीज। ओके, 90% स्टूडेंट्स और कंट्रीज, और ऐसे ऐसा है कि ये 12 कंट्री एशिया, यूरोप या यूएसए, ये 3 कॉन्टिनेंट में है जिसमें बटे हुए हैं। मेजरली यूरोप जब बोलता है तो रिमेम्बर इट इज ईस्ट यूरोप, ये यूरोप बोल बोल के भेज रहे हैं लोग, तो ईस्ट यूरोप का जो रूल रेगुलेशन होता है वो बहुत अलग होता है, जबकि यूरोप है वो एक अलग चीज है। जो हमारे दिमाग में यूरोप जा रहा हूँ वो लगता है ना, वो सोच के मत जाना। ईस्ट यूरोप इज अ वेरी डिफरेंट प्लेस। The entire stretch is, you know, it was earlier a part of USSR. Now it has been split into 16 countries. So 1990s में जो government ने of India ने जो approve कर रखी थी, for example Ukraine, for example Belarus, या even Kyrgyzstan, Kazakhstan, ये सारे countries पूरे former USSR के part हैं। तो ये 12 country कौन से हैं सर? 12 अभी एशिया से चालू करें। हाँ, एशिया से चालू करते हैं। तो इसमें मिलेगा आपको चाइना, चाइना, फिलीपींस, फिलीपींस, और अभी अपन सेंट्रल एशिया में किर्गिस्तान गिन सकते हैं। किर्गिस्तान का स्पेलिंग बता दीजिए, सही दिख रहा हूँ? सही है, सही है, सही है। एस, हाँ एस ही लिखा था, सॉरी जी। अच्छा, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, तो ये 3 कंट्री एशिया और इसके ऊपर होता है जो प्रमोटेड कंट्रीज हैं वो आज की तारीख में बांग्लादेश है और नेपाल है। तो दीज आर द, तो सर एक और चीज पूछेंगे, अप्रूव्ड और प्रमोटेड का क्या मतलब है? प्रमोटेड मैं बोल रहा हूँ, सारे अप्रूव्ड ही होते हैं, ठीक है। प्रमोटेड मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो एजेंट्स को बेचना होता है कोई चीज तो उस चीज को प्रमोट करते हैं कि भाई, क्योंकि हमारे मन में, हमारे पेरेंट्स के मन में ये होता है कि भाई बच्चा नजदीक में जाए, मैं पहुंच जाऊं वहां पे, कुछ भी हो गया तो मैं पहुंच जाऊं। अब वो जो होता है इमोशनल डिसीजन मेकिंग, वो मिसयूज होता है और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में भी स्टूडेंट्स को बहुत भेजा जाता है, स्पेशली बिहार से नेपाल जाते हैं, नजदीक नजदीक बोल के भेज देते हैं, उधर के प्रॉब्लम्स अलग हैं, उनका प्लस पॉइंट भी अलग है। सो हर कंट्री व्हाट वी डिस्कस, there will be an advantage, there will be a disadvantage. So you must ensure that you know both the parts. यूरोप में कौन कौन से हैं सर? यूरोप में अपन मैक्सिमम स्टूडेंट जहां जाते हैं वो रशिया, रशिया, उसके बाद में यूक्रेन, यूक्रेन,
बेलारूस बेलारूस, और चौथा जो, जॉर्जिया। हाँ, हाईएस्ट प्रमोटेड जॉर्जिया, जहां की सीक्रेट्स मैं आपको बताऊंगा। ये सारे बच्चों को एक चीज मेरे को बतानी है, इफ यू श्योर परमिशन श्योर श्योर दीजिए। प्लीज प्लीज। हमारे कंटिन्यूअस वेबिनार चलते थे करीबन 1-1.5 महीने तक, ओके, लास्ट अप्रैल 1 से अवेयरनेस, ये ताकि ताकि आपको कोई गलत। अच्छा, एक चीज और, हाँ, फिलीपींस में है। बराबर, चलो। अच्छा गाइस, आरवी गुप्ता यार, ये वाला अब्रॉड के बारे में सेशन है तो कल परसों आके ज्वाइन कर लीजिए, तब मैं इसका आंसर दे दूंगा। अभी थोड़ा अब्रॉड के बारे में जो सारी इन्फॉर्मेशन है, धनंजय सर इस स्पेस को अच्छी तरह जानते हैं, तो प्लीज उस चीज पे फोकस करते हैं। उसके अलावा अभी और कोई सवाल मत पूछिए, ठीक है? ओके, सो जॉर्जिया भी एक ऐसा प्रमोटेड कंट्री है कि जहां पे काफी प्रॉब्लम्स हैं, गलत बोल के भेजा जाता है। आई एम अ फ्रीक्वेंट विजिटर ओवर देयर, और आई वाज फोर्स्ड टू हैव अ टाई अप विद वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज देयर, बिकॉज स्टूडेंट्स, इन स्पाइट ऑफ टेलिंग देम द ट्रूथ दैट दीज आर द प्रॉब्लम्स, वो इतनी हद तक प्रमोट हो गया था कि लोगों को चाहिए नहीं, सर मेरे को जॉर्जिया ही जाना है। अब मुझे आज तक नहीं पता चला वहां पे क्या है, बट आई कैन टेल यू ऑल द थिंग्स अबाउट इट। ठीक है सर। और तो ये कितने कंट्री हुए? 5 और 4, 9। रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, फिर वो ईस्ट यूरोप में, मतलब चेक रिपब्लिक और वो सब भी आएंगे, रोमानिया, वो इतना नहीं जाता। मैं बोला जैसे 90% जो हंगरी, स्टूडेंट, पोलैंड, पोलैंड है, चौथा है जर्मनी। जर्मनी, पर वो ईस्ट यूरोप आ गया, मतलब वेस्टर्न हाँ यूरोप आ गया ना, हाँ तो इसके साथ वेस्टर्न यूरोप लिख लेते हैं। इसमें जर्मनी है और कौन सा है? चेकोस्लोवाकिया, बस मेजरली जर्मनी और चेकोस्लोवाकिया, ये तो इधर ही आएगा, चेक बस रिपब्लिक हो चेक सकते हैं। रिपब्लिक। तो वो अभी क्या है, फर्क इतना ही है कि ये जो 6 कंट्री है, भले ईस्ट यूरोप में लिखा है, बट दीज 2 कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, ओके, अच्छा, व्हाइल दीज 4 कंट्रीज आर नॉट पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ये बनने की कोशिश कर रहा था रशिया ने, इसका क्राइमिया रख लिया। करो। सो ये चक्कर है कि इसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। हम लोग जिसको यूरोपियन यूनियन बोलते हैं, वहां पे पढ़ाई करने के फायदे बहुत हैं। लव अग्रवाल कह रहा है ही इज जॉइन विद यू। हाँ, लव लव जा रहा है, मुझे पता है वो यूएस जा रहा है। लव, चलिए गुड टू सी यू हियर यार, आई कैन सी यू ऑफ कोर्स। यार तभी आप कांटेक्ट कैसे करेंगे धनंजय सर को, ये डिस्कस करेंगे। अभी एक बार इंफॉर्मेशन लेने से, तो पहला सवाल था विच कंट्रीज, आपने कहा 90%, 12 कंट्रीज, तो हमारे कितने हो गए? 5 और 6, 11 और एक 12, और फिर यूएसए, ये यूएसए। ठीक बस है, ये कंट्रीज ये है, सारे कंट्रीज है। ये एक्चुअली, ये अगर ये निकाल दो, ये मैंने ऐसे ही ऐड किया है क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट जाते हैं, मतलब जाते हैं, बट ये चलो, तो इसको भी एक ही यूनिवर्सिटी है जहां पे स्टूडेंट जाते हैं, वो भी 10-15 जाते हैं, जबकि ये एक एक कंट्री में मिनिमम से मिनिमम 4 से 5 सर ऐसा स्टूडेंट करिए, जाते हैं। मुझे एक एक बताइए, चाइना में करीब कितने बच्चे चाहते हैं? वहां पे 1200 सीट ही है तो 1200 सीट्स, टोटल इंटरनेशनल कम स्टूडेंट्स के लिए है। हाँ, और 1200 इंडियन सीट्स स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। फिलीपींस ओके। फिलीपींस में 2000 बच्चे जाते हैं, 2000, किर्गिस्तान में करीबन 2500 स्टूडेंट जाते हैं, किर्गिस्तान 2500, नेपाल नेपाल हार्डली 800-900, 800, और बांग्लादेश बांग्लादेश में करीबन 1200। 1200, ठीक है। इधर आ ये जाते हैं एनुअल, रशिया, रशिया सबसे ज्यादा जाता है, करीबन 4000, 3500 से 4000। 3500, यूक्रेन, यूक्रेन में भी 1200 नाउ, 1500 यू कैन से दिस ईयर, अभी शांति हुए थोड़ी वहां पे। बेलारूस अराउंड 800 नंबर्स एंड दिस इज अराउंड 1500। पोलैंड, ओके, पोलैंड इज हार्डली, यू नो, 50 to 100, 100, चेक यस, रिपब्लिक, 10 to 20, इसलिए मैंने बोला उसको। 20, जर्मनी, जर्मनी विल बी वेरी नाइस, लाइक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोग्राम टू गो थ्रू जर्मनी, बिकॉज़ दे हैव टू लर्न द लैंग्वेज एंड ऑल दिस, ओके, सो हार्डली, यू नो, 30 to 40 स्टूडेंट्स, 30 to 50 और स्टूडेंट्स। यूएस कितने जाते हैं सर? यूएस आज की तारीख में करीबन 700 से 800 स्टूडेंट्स जाना चालू किए हैं। ठीक है गाइस, तो ऐसा है, ये देखिए, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं कंफर्म कर देता हूँ। चाइना करीब 1200 लोग जा रहे हैं, फिलीपींस 2000, किर्गिस्तान 2500, नेपाल 800, बांग्लादेश 1200, रशिया 3500, यूक्रेन 1500, बेलारूस 800, जॉर्जिया 1500, पोलैंड 100, चेक रिपब्लिक 20, जर्मनी 40, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, और यूएसए 800। गाइस सर एक मिनट हट जाते हैं, इन्हें स्नैपशॉट ले लीजिए।
गाइस स्नैपशॉट दे लीजिए इसका, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप लोगों का जो पहला सवाल था कौन कौन से कंट्री में कितना कितना है, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए सारे लोग और मुझे कंफर्म कर दीजिए। आपने स्नैपशॉट ले लिया है फिर आगे चलेंगे। सर आपको गर्मी लग जाए तो थोड़ा सा उधर जाके आ सकते हैं। इसका स्नैपशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है फिर आगे बढ़ेंगे। ये और आपको धनंजय सर से कुछ भी पूछा इस वाले नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं 9431430060। करीब करीब 15,000 सुन जा रहे हैं। धनंजय सर आपका नंबर शेयर कर सकते हो मैं उनके साथ, एसी पे करते हैं, एसी पे करें ठीक है। ठीक है अब एक एक कंट्री के आई हैव नॉट मेट लव, Love has not seen me, but he is registered. I think Love, आपका admission letter भी आ गया है, most probably आपका तो काफी आगे बढ़ गया है। So he, I think he is. कलिया, एक बार सब उधर हो जाइए। Guys, आप लोगों ने इसका snap ले लिया हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। Next question देखते क्या है? अब सर एक चीज बता दीजिए। अंदर आ जाइए frame में। हर एक country का plus और minus बता दीजिए। Let's do a long session. चाइना का बताइए। मैं अभी सारा को सारा चीज बता देता हूँ। Sure. But एक इसके बाद में when they want to refer it back, they can see this video. Sure. Or we have one video uploaded on the YouTube. Okay. YouTube पे ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं। मैं यहाँ पे लिंक डाल सकता हूँ? हाँ। अभी डाल देता हूँ। ठीक है। They can, मैं जो भी बोलता हूँ वो वहाँ पे ऑलरेडी मिल जाएगा। In Central America, how much seats are there? Central America क्या है? सर लोग मेक्सिको वगैरह भी जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। Central America मतलब कैसा होता है? Let's हम लोग कहाँ भी जाएंगे नहीं। Let's take one thing at a time। मैं इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। US last में लो, US सबसे complicated program है। ठीक है? Challenges हैं, वहाँ पे examinations हैं, वहाँ की पढ़ाई intensive है, और आप लोगों को मतलब पूरा प्रोग्राम समझने के बाद ही आप सेंट्रल अमेरिका का डिसीजन ले सकते हो। सेंट्रल अमेरिका का क्या मतलब? ये है एक्चुअली क्या मेक्सिको पनामा अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हैव ओपन्ड ऑफशोर कैंपसेस ऑन कैरेबियन आइलैंड्स। समझ गया समझ गया। बिकॉज इफ यू वांट टू गो टू यूएस डायरेक्टली यू हैव टू हैव अ एमकैट स्कोर जस्ट लाइक नी। कैरेबियन मतलब सेंट किट्स और इन सब जगह पे। हाँ, सेंट किट्स, सेंट लुसिया, सेंट मार्टिन, एंटीगुआ, अपना जो सबसे बड़ा इंडिया का यूनिवर्सिटी है मणिपाल, उसका भी कैंपस वहां पे है। okay. पर वो बहुत महंगा है, मतलब 1.5 करोड़ जितना लंबा है। ओके। बट सबसे बेस्ट प्रोग्राम यूएस का इसलिए है क्योंकि वो पीजी तक है, सक्सेस रेशियो बहुत हाई है, इट्स अ रेगुलर प्रोग्राम इवन फॉर अमेरिकन्स, एंड देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर इंडियन, यू नो देयर आईएमजीज ओवर देयर। सो इफ यू गो थ्रू सर्टेन वेबसाइट्स व्हिच आई विल गिव यू AAMC, you will understand the success ratios of you know Indian students over there. Ankit, abhi next discussion on cost check kar rahe hain. To sir, ab ek ek country ko leke chale hain, uske pros con bata dijiye, kharcha kitna hota hai wo bata dijiye. So China, fayda kya hai, nuksan kya hai, aur kharcha kitna hota hai? Dekho kaisa hai, pehli sabse pehle let me tell them since we have time, to mujhe bata dene do ki mciindia.org, this is the website of Medical Council of India. आपको जाना है सिर्फ Medical Council approved universities में। उसकी पूरी listing MCI के website के ऊपर है। आज की तारीख में वो website update हो रही है। तो अभी आप अगर mciindia.org type करोगे, तो आपको नई website दिखेगी, पर वहाँ पे एक flash आएगा कि भाई please refer to our old website because this website is being updated at the moment. Okay? तो आप वहीं पे क्लिक करके ओल्ड वेबसाइट पे जाइए। ओल्ड वेबसाइट के ऊपर पूरा एमसीआई का लिस्टिंग है सारी कंट्रीज का। तो सर कितनी यूनिवर्सिटीज है वहां पे? ये करीबन 400 यूनिवर्सिटीज है। अच्छा, तो एमसीआई साइट का नाम है mciindia.org, INDIA, दो आई हो गए भाई, .org www। और सर यहाँ पे कितनी 400 यूनिवर्सिटी, 400 रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज, 400 प्लस 200 भी है। ओके, ये 200 इसी का जवाब दे रहा था मैं। ये जो 200 है वो चाइनीज टॉट प्रोग्राम्स है, और फॉर्चुनेटली हमारे नसीब अच्छे हैं कि इस पर्टिकुलर चीज के लिए एमसीआई वालों ने लिख के दिया है कि ये जो 200 करीब करीब 200 यूनिवर्सिटी है, 206 यूनिवर्सिटी, वो पूरी चाइनीज टॉट प्रोग्राम वाली है, और बायलिंगुअल है कोई कोई यूनिवर्सिटी। ओके, या सो सलीम खान हैज चेक्ड, करेक्ट। So please do not make a mistake of going here. ये जो नई वेबसाइट आ रही है, जो अपडेट हो रही है,
विद इन 15 डेज दे विल रिमूव दिस 206 यूनिवर्सिटीज, क्योंकि चाइना बोलेंगे यहाँ पे एक ट्रैवल पैकेज की तरफ बेचा जाएगा आपको, और आपकी भी भाषा वैसी हो जाएगी जब आप यू नो व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू द एजेंट एंड कंसल्टेंट दैट बॉस मेरे को कितने पैकेज में मेरे को चाइना भेजोगे, आप ये पैकेज वैकेज का चक्कर है नहीं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। एक चाइनीज डॉट यूनिवर्सिटीज में 1.5 लाख में भी आप पढ़ाई कर सकते हो, बट आपको समझ में कुछ नहीं आएगा लेक्चर पे, ठीक है, जबकि वही इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में उसकी कॉस्ट होगी करीबन, शुरू की कॉस्ट होती है 3.5 लाख रुपया साल का फीस, एंड इट एंड्स राइट अप टू 5 लाख रुपीज टू द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी। ओके, सो इवन इफ यू, मैं आपको 2-3 लिंक दूंगा जो बहुत बढ़िया लिंक होगी, जो आपके सामने रखोगे आपका कंट्री और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन विद इन 15 मिनट्स यू विल बी एबल टू डू। ओके, दीज आर द हिडन लिंक्स, दीस पीपल शुड नॉट हैव साइड कांट बी यार। एनसीआई के बीच, एनसीआई इंडिया के बीच में डॉट मत लगाओ, ये एक वर्ड है, ncii.org, ये सिंगल ncii.org जावेद, ठीक है गाइस। जो जो लोग लाइव है प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अंकित, स्वप्निल, ऋतिक, जावेद, अशफाक, हर्ष खासिया, प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपनी टाइमलाइन पे। ओके, तो आप कह रहे हैं 200 जो है इसमें चाइनीज है, और कौन सी है? पूरे के पूरी चाइनीज है। अच्छा, 200 ये क्या हो गया कि एमसीआई वालों का एक रेगुलेशन था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चाइना जितनी यूनिवर्सिटीज को अप्रूव करेगा वो एमसीआई की लिस्ट पे डालना ही पड़ेगा। अब जाके एमसीआई को अक्कल आई है कि भाई चाइनीज डॉट प्रोग्राम्स नहीं डालना चाहिए, बिकॉज देयर इज अ रेगुलेशन कि इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स ही अप्रूव हो सकते हैं। तो वो करके उन्होंने नई वेबसाइट बनाई है, और उसमें आप 15 दिन में देखोगे कि ये 200 यूनिवर्सिटीज निकल जाएगी। चलिए, यहाँ पे एक ब्रोकर भी आ गया है, बनी चौहान, चलिए अच्छी बात है। चलिए, चाइना कैसा है एमबीबीएस के लिए? शुभम गुप्ता, भाई कितना बार नंबर भेजोगे? शुभम गुप्ता, चलिए सर, ठीक है। तो अब सवाल ये है सर, एक एक कंट्री का बताइए, एक एक कंट्री को आप पकड़े। अब चाइना के ऊपर फोकस करते हैं। हाँ, तो चाइना में प्लस और माइनस क्या? चाइना सबसे पहला प्लस है, माइनस है कि ये 200 यूनिवर्सिटीज और कई इंडियन स्कूल्स बनेंगे, ठीक है। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज अनदर सेपरेट लिस्ट ऑफ 45 यूनिवर्सिटीज व्हिच वेरी क्लियरली स्पेसिफाइज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ओनली। 45 अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज और 200 है जिनसे बचना है 200 बच्चों, ठीक है, परफेक्ट। अब ये 45 में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि करीब 90% सीट्स ऑलरेडी हो चुकी है। चाइना सबसे पहले भरता है, इसका कारण एक ही है, सबसे सस्ता है। नहीं, 90% एलोकेटेड ऑलरेडी, ओके, और जो बची हुई है वो इतनी अच्छी नहीं है कि जो आप चूज कर सको। ओके, लेट मी पुट इट 80%, ओके, जो अच्छी 45 में भी ए ग्रेड है, बी ग्रेड है और सी ग्रेड है, ओके, तो ये जो बची हुई है वो बी और सी वाली बची हुई है, ए में बहुत कम सीटें बची हुई है, ओके, क्योंकि बहुत कम सीट्स हैं एक्चुअली। अभी जो 45 में देखोगे तो एमसीआई ने दिया हुआ है कि 3,680 सीट है, उसमें से 30% इंडियंस के लिए है, तो करीब करीब 1200 सीट बचती है। उसमें भी अगर सी ग्रेड में ना जाना हो तो बहुत मुश्किल से 600-700 सीट बचती है अपने पास, इसलिए वो भर जाता है। और साउथ इंडियन लोगों का रिजल्ट बहुत हाई होता है, और साउथ इंडियन लोगों का रिजल्ट बहुत जल्दी आता है, तो 70% ऑफ द सीट्स इन चाइना आर फिल्ड बाय आंध्राइट्स, 65-70%। सबसे बड़ा पॉजिटिव चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर है, नन ऑफ दीज कंट्रीज हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ चाइना। अच्छा, मतलब कॉलेजेस का क्वालिटी, नंबर ऑफ बेड्स, अंडरस्टैंड देयर इंग्लिश ऑल्सो इन। हाँ ठीक है ऋतिक यार, बना लेंगे ग्रुप, आप टेंशन मत लीजिए। गाइस बाय द वे, ये वाला नंबर है, मैंने एक दो दिन से इसे चेक नहीं किया है, तो टेंशन मत लीजिए, इस वाले नंबर पे आप भेज सकते हैं।
एंड वी विल गेट बैक, बट अभी डिस्कशन आगे करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त है, इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त है। फॉर एग्जाम्पल जियांगसू यूनिवर्सिटी 500 एकड़, मतलब यहाँ पे शायद आप लोग आईआईटी वाले हो तो उन्होंने देखा है, हम लोग ने कभी देखा नहीं आज तक। नहीं, मैं तो आईआईटी दिल्ली से हूँ, तो वहां पे भी 120 एकड़ ही था। तो ये मतलब बियॉन्ड बिलीफ है, पूरा वहां पे कॉम्प्रेहेंसिव यूनिवर्सिटी रहती है और मेडिकल के साथ में हॉस्पिटल भी अंदर है, जो जैसे इंडिया का है वैसा स्ट्रक्चर पूरा मिल जाता है। अच्छे इंडिया के कॉलेजेस है वैसा वैसा मिल जाता है, हॉस्टल की क्वालिटी एवरीथिंग इज वेरी गुड ओवर देयर। ओके, और जो लोग वेजिटेरियन है वो आना चाहिए। वेजिटेरियन को तो नहीं, वैसे आपको फ्रेंकली बताऊं तो वेज तो नॉन वेज बन ही जाएगा। ओके, मेरे पास बहुत वेज है, मैं खुद वेज हूँ, मैं जाता हूँ, मेरा कपड़े का बैग नहीं लेता हूँ, वहीं पे कपड़े ले लेता हूँ, खाने का बैग होता है मेरे पास। सो वेज तो अगर वेज के लिए तकलीफ है, तकलीफ है। नन ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैव इंडियन मैस। एक चीज ध्यान रखो भाई लोग, अगर जहाँ इंडियन मैस नहीं है, आपका दिन का 1 से 1.5 घंटा खाने पकाने में जाने वाला है, जबकि आपको करना क्या है वो 1.5 घंटे में, एक्चुअली एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है एवरी डे 1.5 घंटा। डे वन उतरो, चलो ओरिएंटेशन टूर, ये वो मजाक मस्ती फ्रेंडशिप, हफ्ते के बाद में 8वें दिन से एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रिपरेशन हम जो देते हैं, वो प्रिपरेशन अगर नहीं करोगे, वापस आओगे आपको लगेगा कि मैंने मम्मी से छुपाया, पापा से छुपाया, यहाँ मस्ती अच्छी चल रही है, आने के बाद में जिंदगी भर पछताओगे। So, एक बहुत सिंपली सिंपल फंडा है, क्योंकि ये एक चीज समझ लो आप लोग। ओके, एमसीआई में होता क्या है कि एमबीबीएस इन इंडिया इज कंसिस्टिंग ऑफ 19 सब्जेक्ट्स। ओके, 4 नॉन क्लिनिकल है, 15 क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है। अब ये 19 सब्जेक्ट्स के ऊपर एक साथ में एक दिन में एमसीआई वाले आपकी टेस्ट लेंगे। अभी तक उसको बोलते थे एफएमजी स्क्रीनिंग टेस्ट, क्योंकि सिर्फ फॉरेन वाले आते हैं, उन्हीं को टेस्ट देनी थी। From 2018, आपको ये जान के खुशी होगी कि इवन इंडियंस विल हैव टू गिव दिस टेस्ट। ओके, एंड द नेम ऑफ द टेस्ट इज बीइंग चेंज्ड, इट इज कॉल्ड नेक्स्ट नेशनल एग्जिट टेस्ट। तो इंडिया में जो एमबीबीएस करे उनको भी देना पड़ेगा। हाँ, इसमें होता कैसा था, पहले क्या होता था कि इंडिया में जो एमबीबीएस कर लेता है उसको नीट पीजी देना पड़ता था पीजी के एंट्री के लिए। ओके, फॉरेन से जो आता था वही 19 सब्जेक्ट पे पहले एमसीआई क्लियर करो, वही 19 सब्जेक्ट के लिए फिर नीट पीजी दो। ओके, सो एमसीआई में फिल्ट्रेशन हो जाता था, 20% पास होते थे, 80% फिल्टर हो गए, फिर उस 20% में से फिर 10% को पीजी मिलता था, तो 2% निकलते थे। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई प्राइवेट वाले तो फॉरेन वाले से बदतर है इंडिया के अंदर, बहुत सारे कॉलेजेस। तो उस सिचुएशन में वाई नॉट टू टेस्ट एवरीबडी विद द सेम, और एक ही टेस्ट रखो जिससे डुप्लीकेसी ना हो। तो फॉरेन से आने वालों को भी एक ही टेस्ट देनी पड़ेगी, विच इज कॉल्ड नेक्स्ट। गूगल कर लो, आपको समझ में आ जाएगा नेक्स्ट क्या चीज है। सारे एमबीबीएस डॉक्टर कोई फ्रेंड हो एमबीबीएस वालों को तो वो भी बता सकते हैं आपको बहुत क्लियरली। वो सेम एमसीआई पैटर्न है, और इंडिया में करोगे तो नेक्स्ट दे के ही नीट पीजी में ऑटोमेटिक आपका क्वालिफिकेशन हो जाता है। ओके, और अगर आप फॉरेन से आते हो, कोई भी कंट्री से आते हो, एक्सेप्ट यूएसए, यूएसए के केस में आपको एग्जाम नहीं देना, आप एमसीआई से बच गए, क्योंकि वहां पे यूएसए में डायरेक्ट पीजी का ही प्रोग्राम है 9 साल का। ओके, सो तो 9 साल का खर्चा 100 करोड़ रुपए नहीं, मणिपाल में है, दूसरे यूनिवर्सिटीज है। मैं यूएस के बारे में बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो चाइना का खर्चा कितना होता है, आप ये पकड़ लो 20 से 25 लाख का खर्चा होता है चाइना का। सबसे प्लस पॉइंट ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट ये है, अगर आपका विजन एमबीबीएस बनना है तो मत जाओ अब्रॉड, अगर आपका विजन पीजी तक का है तो ही जाओ, नहीं तो इंडिया में रह के हेल्थ केयर मैनेजमेंट कर लो। पहली चीज मैं सबको बोलता हूँ, जितने लोग आते हैं मेरे पास मैं सबको बोलता हूँ, मेरे को कोई स्टूडेंट की कमी नहीं है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल देम, If your vision is up to MD-MS in India, then only go abroad. उसके रास्ते हैं, मैं समझा दूंगा आपको, वो वेबिनार का वीडियो देखोगे YouTube पे तो भी आप समझ जाओगे। But right now let me explain you. The problem is, आप 20-25 लाख रुपया खर्चा करके फॉरेन जाओगे। साकेत, I have completed my MBBS studies plus PG from foreign itself. Then do I need to appear in MCI test? साकेत, आप समझ नहीं रहे हो, रूल रेगुलेशन MCI की वेबसाइट पे पढ़ लो। If you are from an English-speaking country who has completed PG, English-speaking country सिर्फ 5 है, 5,
कौन से पांच? यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूके. सो इफ यू हैव क्लियर्ड योर पीजी लेवल टेस्ट, पीजी कंप्लीट कर लिया वहां पे यूएसए से, तो आप इंडिया में बेफिक्र होके आ जाओ. जो आने वाले नहीं हो मुझे पता है, बट मैं बोल रहा हूँ आ सकते हो, आप इंडिया का भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो. जैसे माधुरी दीक्षित का हस्बैंड ने लिया वहां का पीजी का डिग्री, यहाँ पे रजिस्टर कर लिया. सो यू डोंट नीड टू गिव एनी टेस्ट. यूएस एमसीआई हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद यूएसएमएलई दैट ऑन रेसिप्रोकल बेसिस द अमेरिकन कैन वर्क इन इंडिया एंड इंडियंस कैन वर्क इन यूएसए. If Indian studies in USA, he can come back to India. And American completes his PG in India, he can go back to US and complete and take care of it. Okay? So, उस agreement के अंदर में आपको you are absolved from giving this MCI screening test. Okay? But if you do PG, not up to MBBS, क्योंकि US में PG minimum level है. सिर्फ US नहीं, दुनिया के हर developed country में you cannot touch a patient unless you have completed PG. तो आपको एक सीरियस अच्छा डॉक्टर बनना है जो एथिकल रह सके लाइफ में, तो पीजी करना जरूरी है. अगर आपको एमबीबीएस करके, जिसको डॉक्टर की भाषा में बोलते हैं कट प्रैक्टिस, तो आप एक दलाल बन जाओगे. ठीक है, तो सर यहाँ पे खर्चा 25 लाख है, इसके अंदर 20 से 25 लाख पकड़ लो आप, और इसमें सीट ज्यादा नहीं बची है. जिसको भी चाइना जाना है, पहली चीज समझ लो 75% मिनिमम रिक्वायरमेंट, 80 हो वो डॉक्यूमेंट अच्छा होता है. 75% पीसीबी, यस मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है. 50-60 में भी मिल जाता है चाइना में, बट वो आपको नॉर्थ वेस्ट चाइना में मिलेगा. एक ही यूनिवर्सिटी है, वो पाकिस्तान के बाजू में है, दैट्स अ एरिया व्हिच इज अंडर डेवलप्ड. ओके गाइस, एक चीज सुन लीजिए, आप यदि इंडिविजुअल सवाल ऐसे पूछेंगे, आप लोग के मैंने सारे सवाल पूछ लिए थे, पूजा रॉय आपका सवाल भी मैंने पूछ लिया था, आपका सवाल लिख लिया था, एक एक करके सवाल कवर करेंगे. यदि हम इंडिविजुअल इस तरह से सवालों का जवाब देंगे तो नहीं हो पाएगा. तो आप शांति से सुन लीजिए, जो बताया जा रहा है उसके ऊपर सवाल पूछ लीजिए. इंडिविजुअली सवाल करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा. ठीक है गाइस, तो वेट कर लीजिए. इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के ऊपर आ रहे हैं, उनमें एलिजिबिलिटी क्या है. तो सर चाइना कंप्लीट हो गया. चाइना की कॉस्ट है, आई थिंक आई हैव टोल्ड यू द प्लस, द माइनस इज अ चाइनीज लैंग्वेज. आपको चाइनीज लैंग्वेज सीखना ही, बहुत सारे जगह पे लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ी, पर चाइनीज सीखना थोड़ा मुश्किल है. लोग सीख लेते हैं, 6 सेमेस्टर लगता है, एचएस के 4 लेवल तक जाना होता है. नॉर्मल चाइनीज जो होता है वो एचएस के 10 तक जाता है. जो चाइनीज लोकल बंदा है उसका लेवल 3 से चालू होता है, 1 और 2 सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, मतलब मोस्ट बेसिक होता है. 3 और 4 सीख लिया तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब वो कोई दिक्कत नहीं है. बट आप कन्वर्सेशनल लेवल पे चाइनीज बोलने के लिए थोड़ी तकलीफ होती है हमको. आपको वही चीज रशियन में, आप 1 साल में कन्वर्सेशनल लेवल पे पहुंच जाते हो, 1-1.5 साल में तो आप रशियन की तरह बात करना चालू कर देते हो. ठीक है, सो ईज ऑफ लैंग्वेज इज देयर इन अदर कंट्रीज इन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज. सर फिलीपींस का बताइए. अब ये ध्यान रखो, आज तक का मेरा रिकॉर्ड है कि मेरे एक बार मेरे मेरा मेरे साथ टच में आता है, वो कभी जिंदगी में फिलीपींस नहीं जाता. अच्छा, तो यू डू नॉट कंसीडर मी एज एंटी फिलीपीन और समथिंग. आपको सिर्फ एक ही काम करना है, गूगल जाओ, इंडियन एम्बेसी इन फिलीपींस मनीला, मनीला सिटी है, कैपिटल है, वहां पे अपनी एम्बेसी है इंडियन गवर्नमेंट की. वहां पे सिर्फ गूगल जाके टाइप करना है एडवाइजरी टू इंडियन स्टूडेंट्स FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और आप जो पढ़ोगे उसके बाद में कोई बंदा नहीं जाएगा. Okay? तो सर आप स्ट्रॉन्गली कह रहे हैं कि फिलीपींस नहीं जाना है. इसका कारण मैं बताता हूँ. हाँ. कि फिलीपींस एमबीबीएस के प्रोग्राम के लिए नहीं जाते. आप जब पढ़ोगे एम्बेसी का राइटअप तब आपको समझ में आएगा. फिलीपींस में इट्स अ बिग स्कैम इन इंडिया. थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग, दे आर नॉट टोल्ड दैट यू आर नॉट गारंटीड अ एमबीबीएस सीट ओवर देयर. यू विल बी गोइंग फॉर अ बीएस प्रोग्राम. मॉरिशस भी है, बट वहां पे थोड़ा तकलीफ है क्योंकि वहां पे हॉस्पिटल नहीं है, पेशेंट फ्लो बहुत ही कम है. आपका एक ही कॉलेज है जहां से एमसीआई पासिंग रेशियो जरा रिस्पेक्टेबल, बहुत अच्छा पासिंग रेशियो है. और देखो डॉक्टर बनने के लिए, लेट मी फिनिश विथ फिलीपींस, अदरवाइज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नहीं तो कोई ना कोई इसमें से फिलीपींस जाएगा. गाइज जितने भी लोग लाइव है ये चीज सुन लीजिए,
धनंजय एक्सपर्ट है इस चीज के, ये कह रहे हैं फिलीपींस किसी भी हालत में मत जाना, फिलीपींस में एमबीबीएस प्रोग्राम नहीं है। इनके आने से पहले किसी ने पूछा था कि सर यहाँ पे बीएससी 1 साल कर लिया, फिलीपींस में डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है, इसलिए मिल रहा है कि वो एमबीबीएस प्रोग्राम नहीं है। नहीं, मैं बताता हूँ आपको क्या चक्कर है। आपका जब आपका जब एडमिशन लेटर आता है ना, तब वो आता है बीएस या एबी, बीएस साइकोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस साइकोलॉजी, 16 महीने का प्रोग्राम रहता है। ओके, इसके बाद में जैसे इंडिया में नीट होती है, वैसे ही एनमैट होती है, वहां की गवर्नमेंट लेती है एंट्रेंस टेस्ट पूरे फिलीपींस के लिए। ओके, उसमें से 75% ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू बी ऑन द मेरिट एंड दे रिटर्न बैक टू इंडिया। तो 2000 लोग गए, उसमें से 1500 लोग वापस आए, बाकी के जो 500 लोग हैं स्टूडेंट्स हैं, those 500 students are promoted to MD. It is called promoted. So you are not ensured a seat unless you are on the merit of NMAT. ये सारी चीज बहुत डिटेल में with numbers अपनी एम्बेसी ने क्लियर लिखा है, बट इंडिया से रूरल एरिया से अनएजुकेटेड पेरेंट्स हैं वो सर। सारे गजब है। ये करण भाई भी कह रहे हैं, ही स्टूडेंट फ्रॉम फिलीपींस। गाइस सब लोग एक बार है ना धनंजय सर को थैंक यू बोल दीजिए, और इस चीज को ध्यान रख लेना, फिलीपींस नहीं जाना यदि आपको एमबीबीएस करना है तो, फिलीपींस नहीं जाना है। अंकुर सर गुड इवनिंग, इतना रात को जगे हुए किसी को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं क्या? ठीक है, तो स्वरूप हमने अभी चाइना का डिस्कस किया, हम फिलीपींस का फी स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग को हम ये कह रहे हैं, स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं, मैं इस प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूँ, बिकॉज आई ट्रस्ट व्हाट धनंजय सेज, फिलीपींस आप लोग को नहीं जाना है। और बेसिकली मैं और कपिल जी नहीं बोल रहे हैं, आपको किसी को ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, इट इज वेरी मच देयर, यू जस्ट नीड, इट विल टेक 5 मिनट्स ऑफ रिसर्च टू अंडरस्टैंड। एवरी ईयर हमारे समझो अगर 100 स्टूडेंट्स जाते हैं, बहुत बड़ा ज्यादा जाते हैं, बट सपोज 100 स्टूडेंट्स जाते हैं, उसमें से एडिशनल 25 स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो फिलीपींस से रिटर्न आए हुए हैं, सर अभी मेरा क्या होगा? अब प्रॉब्लम यह है कि MCI का रेगुलेशन है कि यू कैन नॉट ट्रांसफर योर सेल्फ टू अनदर यूनिवर्सिटी, दिस इज अ रेगुलेशन फ्रॉम 2010, यू कैन रीड इट ऑन mciindia.org। ओके, दैट मींस जो पैसा आपने खर्चा किया, एजेंट को दिया, फीस भरा, खाना पीना खाया, हॉस्टल का खर्चा, आप आराम से 7-10 लाख रुपया खर्चा करके बैठे हो, इंडिया वापस आओगे, जब पहली बार जाते हो तो 15-20 लोग छोड़ने आते हैं, हर बार पहना के टीका लगा के जाते हो, you will feel ashamed to come back, and that is what is being done. And this, if you read that entire FAQ given by the, I am damn sure that any sensible person will not do. It's not me or you who is telling. It's your decision ultimately. Our duty is to ensure that you don't fall on the wrong places. So, Philippines को काट दिया सर। अब ये बताइए सर, एक क्वेश्चन, एक लड़का एक क्वेश्चन पूछा, इसको ले लेते हैं। कौन से कंट्री में इंडिया का एजुकेशन सिस्टम फॉलो होता है? कोई है ऐसा कंट्री? ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है कि जहां पे इंडियन, एक ऐसा एक बात समझ लो कि यूरोपियंस, इंडिया फॉलोज यूरोपियन सिस्टम बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर राज। ओके, तो इंडिया के अंदर जो सिमिलैरिटी है वो यूएस प्रोग्राम से बहुत अलग है। यूएस में 50% आपका प्रैक्टिकल होता है, 50% आपका थियरी होता है। फॉर एग्जाम्पल इट्स अ 4-ईयर प्रोग्राम, लव अग्रवाल नोज अबाउट इट। तो 4-ईयर प्रोग्राम के पहले प्री मेड करना पड़ता है, वो अलग चीज है, वो मेडिकल प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ 4-ईयर प्रोग्राम रहता है। उसमें 2 साल आपके ये होते हैं, क्या बोलते हैं आपका थियरी, और 2 साल होता है आपका प्रैक्टिकल। हाँ जी, तो क्लिनिकल रोटेशंस जो बोलते हैं वो मतलब टोटल है, जबकि इंडिया में 75% आपका थियरी क्लासरूम वाला ही होता है जब आप डॉक्टर बनते हो। हर यूरोपियन सिस्टम में यही है, जो अपग्रेड होते रहा है कंटिन्यूअसली, इंडिया में अभी तक नहीं हुआ। रशिया में जाते हो, वो लोग ने रियलाइज किया कि प्रैक्टिकल पोर्शन कम है, अभी कंपलसरी हर एक स्टूडेंट को व्हेन दे कम ऑन वेकेशन दे हैव टू स्पेंड 1 मंथ ऑफ देयर वेकेशन, वेकेशन इज फॉर 2 मंथ्स, जुलाई एंड अगस्त, उसमें से 1 महीना आपको हॉस्पिटल जाना जरूरी है। तो ऐसे करते करते वो लोग 6 महीना 6 साल में एडिशनल, 5 साल में 5 महीना एड करते हैं। ओके, सो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंडिया में लैकिंग है। Hospital visits will start in India also, okay? But it's just a, it's not like clinical rotations. It's very different. So India follows European system. India में 19 major subjects हैं,
ये 19 मेजर सब्जेक्ट्स को सब सब्जेक्ट्स में डिवाइड करके चाइना में 54 सब्जेक्ट्स तक डिवाइड करते हैं। ओके, टॉपिक वही रहता है, ह्यूमन एनाटॉमी सेम है, चाहे चाइनीज हो उसको भी दो किडनी है और एक हार्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो पढ़ाई का फॉर्मेट है वो स्लाइटली डिफरेंट है। सो इंडिया का पैरेलल आप अगर सोचोगे तो वो नहीं मिलने वाला। इसीलिए मैंने बोला, जैसे आपने ट्वेल्थ का प्रिपरेशन किया और नीट का प्रिपरेशन किया, ठीक है, एक सब्जेक्टिव था एक ऑब्जेक्टिव था, एक आपको समझाना पड़ता था एक आपको समझ के जवाब देना पड़ता था। सिमिलरली जो MBBS इन चाइना रशिया यूक्रेन कहां भी करो, दैट इज लाइक अ सब्जेक्टिव ट्यूटरिंग, बट आपका जो MCI स्क्रीनिंग टेस्ट है वो कॉन्सेप्चुअल है, वो पढ़ाई समझ के फिर क्वेश्चंस को एनालाइज करके फिर आंसर देना है, और उसके लिए टाइम बहुत कम है, तो पहले से प्रिपरेशन होगी। सो कई लोग पूछते हैं, सर पैरेलल दोनों तो एक ही है, इंडिया में भी वही सिखाते हैं, वहां पे उसी का सब सब्जेक्ट तो क्यों जरूरत है? आई होप यू आर नाउ वेरी क्लियर अबाउट इट। ओके, सो आई वुड जस्ट सजेस्ट यू दैट व्हेन यू आर डूइंग MBBS एनीवेयर अब्रॉड, यू हैव टू एंश्योर that you are preparing for MCI screening test from day one, क्योंकि 19 subject की journey, 6 साल की journey, उसमें से 5 साल आपको preparation के हैं, last year एक mock test देते हैं हम लोग, continuous mock test, जब इंडिया लैंड किए you have to be ready for your exam, otherwise आप कभी ready नहीं होंगे। दिल्ली गौतम नगर में बड़े classes लगे हुए हैं, student आराम से 5 साल मस्ती करके आया हुआ है, यहाँ पे 3 महीने में 6 साल का course चल रहा है, रिजल्ट आता है 2% 3%, राइट, ठीक है। तो क्रैश कोर्स के ऊपर डिपेंड मत रहो, कोई फायदा नहीं है, जब तक आपका बेसिक कोर्स नहीं हुआ, प्रिपरेशन नहीं हुआ, मॉक टेस्ट नहीं हुई, आप 19 सब्जेक्ट के ऊपर तैयारी नहीं की तो आप क्रैश कोर्स के लायक भी नहीं होते। सर विकास ये पूछ रहा है, दो क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं, BDS इन इंडिया या MBBS इन चाइना, कौन सा? ये कह रहा दत्ता बेगे, मैं 15 लाख चूज करूं, यार 15 लाख एक साल का है वहां पे, तो टोटल 80 लाख है कुलदीप चौधरी, और BDS इंडिया में चूज करूं या अब्रॉड जाऊं? भाई BDS की बात करेंगे तो मैं आपको सिंपल, एक आप लिखते जाओ या यहाँ लिख देते हैं, ये आपको बहुत अलग चीज बता रहा हूं मैं, एम्प्लॉयबिलिटी या अनएम्प्लॉयड डेंटिस्ट इन इंडिया, या पढ़ोगे आप, मुझे नहीं लग रहा है इसमें से कोई जो सुन रहा है वो कभी डेंटिस्ट बनेगा। नहीं, यही प्रॉब्लम है, इसी वजह से गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स भी खाली जाती है, यदि आप मौलाना आजाद या जामिया वगैरह के नहीं है तो आप सड़क पर घूम रहे होते हैं, सो उनके पास अभी सैचुरेशन पॉइंट है। आपको गूगल पे इतना ही टाइप करना है, अनएम्प्लॉयड डेंटिस्ट इन इंडिया, आपको रिपोर्ट मिलेगी, आप अपनी करियर बना रहे हो। एक चीज याद रखो, आप एडमिशन के पीछे मत पड़ो। सर वो लड़का कह रहा है, देखिए स्वरूप आपका जो सेशन है जिसको करने का पर्पस था ना, स्वरूप कह रहा है ओके सर थैंक यू लॉट, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आई एम वरीड अबाउट इट, एवरीडे मेनी एजुकेशन एनजीओस कॉल एंड जस्ट देयर ब्रेन वॉशिंग, थैंक यू सर सो मच। चलिए यार, एक्चुअली मैं ऑफिस खत्म करके आई न्यू दैट यू नो देयर विल बी, आई डोंट वांट दैट, इसमें से 250 लोग में से अगर एक भी स्टूडेंट बच गया ना, right. I think the flight was purpose, purpose, purpose सब हो जाएगा। चलिए सर, तो फिलीपींस हमने मना कर दिया।
चलिए गाइस वापस लाइव आ गए। ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया था। अच्छा, एक लड़का पूछ रहा है कि वडोदरा में इसका कौन सी जगह पे एडमिशन हुआ है। सुमनदीप में, सुमनदीप जाए या अब्रॉड जाए। यार जावेद, मोटा मोटा सर ये बोल रहे हैं कि बीडीएस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। यदि आप टॉप 3-4 कॉलेजेस, मैं गिनती के कॉलेजेस बता देता हूँ, इनके अलावा मैंने आपको बोला था सब छोड़ दो, मौलाना आजाद, बीएचयू, पटना डेंटल, अमृतसर, ठीक है, बेंगलोर में एक है, एक चेन्नई में है, ठीक है, रिम्स रांची, ऐसे मैंने आपको 10-12 बताए थे, और 4-5 प्राइवेट कॉलेजेस में अच्छे हैं, उन सबको छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके अलावा बिल्कुल छोड़ दीजिए, डेंटिस्ट सड़क पे घूम रहे हैं, जॉब्स नहीं है। सर एक चीज बता दीजिए, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में क्या रिक्वायरमेंट है जाने के लिए। यूएसए, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट है पैसा। कितना पैसा खर्च होता है? सो इसमें जो कैरिबियन के थ्रू है उसमें अभी शायद स्कॉलरशिप अभी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, 23 तारीख को स्कॉलरशिप टेस्ट है। अच्छा, आप लोग स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। ओके, तो उस स्कॉलरशिप टेस्ट से भी अभी जो पहले जो अनकंडीशनल स्कॉलरशिप थी जैसे लव अग्रवाल को मिल गई है, वैसे अभी मोर और लेस खत्म हो गया। सर एक काम करते हैं, इन लोग को लिख देते हैं जरा, मैं अपना नंबर ही डाल देता हूं, नाम लिख लो। ओके, 8527521718। गाइस इस पे है ना, ये मेरा नंबर है, मैंने अभी तक शेयर नहीं किया है, ठीक है। इस वाले नंबर पे अपना ईमेल एड्रेस और फोन नंबर दे दीजिए, मैं सर के साथ आपको कनेक्ट कर दूंगा। इस वाले नंबर पे अपना फोन नंबर और ईमेल एड्रेस दे दीजिए, मैं सर से आप लोगों को कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। फिर आपको जब भी कभी भी कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप सर को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और सर कुछ स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह के बारे में बताएंगे। गाइज एक बार बता दीजिए, आप सब लोग देख सकते हैं। मणिपाल डेंटल ठीक रहेगा कुलदीप, मणिपाल डेंटल में कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। मणिपाल डेंटल जो मैंने आप, श्री रामचंद्र का भी डेंटल अच्छा है, पर गिनती के 10-12 कॉलेजेस है, उसके अलावा डेंटल में जाना नहीं है, इवन गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं, ठीक है। तो दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट कवर कर रहे हैं। हाँ, दो पॉइंट जो इंपॉर्टेंट कवर करने हैं वो, हाँ, एक है प्राइवेट कॉलेज का, हाँ, चाहे कितनी भी बड़ी प्राइवेट कॉलेज में जाओ, हाँ, एक चीज उसकी विजन में चेंज आना चाहिए लोगों की, हाँ। और दूसरा जो पॉइंट कवर करना है वो है, अब आपको एक बहुत अच्छा न्यूज है कि एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट का रेशियो गवर्नमेंट ने पब्लिश कर दिया है हर यूनिवर्सिटी का। अच्छा, तो ताकि आपको पता चले कि कौन सी यूनिवर्सिटी से कितने बच्चे कि कौन से साल में पास हुए हैं, परसेंटेज पासिंग रेशियो कौन सा है। आखिर आपको लाइसेंस देने वाला एमसीआई है, और लाइसेंस मिलना है ओनली इफ यू पास एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट। सो इट विल गिव यू अ फेयर आइडिया कि भाई कौन सी कॉलेज में जाऊं मैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल चाहे रशिया में जाऊं तो वहां का भी पासिंग रेशियो दिया है हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से। एक्चुअली लड़का पूछ रहा है कि किस कॉलेज का एमसीआई रिजल्ट बेस्ट है। आज की तारीख में देखो, अगर देखा जाए तो हर कंट्री में अलग अलग होती है, पर टॉप 5 यूनिवर्सिटीज इस समय कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल रशिया में क्रीमिया है, ओके, यूक्रेन में लवीव है, बेलारूस में विटेस है, जॉर्जिया में टीएसएमयू है, चाइना में सीएमयू है जो शेनयांग मेडिकल कॉलेज बोलते थे। देखो कैसा हो रहा है कि ये लोगों ने जो रिजल्ट निकाला है, रिपोर्ट निकाला है, वो आपको 2012 से लेके 2014 तक का 3 साल का रिपोर्ट निकालते निकालते इनको खुद को 2 साल लग गए। 54 पेज का बहुत बड़ा रिपोर्ट है, हर कंट्री का रिपोर्ट है उसमें परसेंटेज, okay. और उसमें हर यूनिवर्सिटी का पासिंग रेशियो दिया गया है। Okay. तो एक ही चीज मेरे को बोलनी थी, वो लिंक मैं दे दूंगा इनको, सब मुझे बता दीजिए ना, मैं सब लोग को फॉरवर्ड कर दूंगा। गाइस यहाँ पे है ना, प्लीज अपना नाम और ईमेल एड्रेस डाल के मुझे भेज दीजिए, जिसको इसको लिंक चाहिए अपना नाम और ईमेल एड्रेस दे दीजिए। जो सर बता रहे हैं ये पासिंग रेशियो जो है हर एक यूनिवर्सिटी का, वो आप सबको हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और फोन नंबर डाल के मुझे भेज दीजिए।
दैट इज गुड। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मुझे बता दीजिएगा इस वाले नंबर पे, और वो जो रिपोर्ट है वो हम सब सब लोग को फॉरवर्ड कर देंगे। यार गणेश, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस मत डालो प्लीज, आपको सारे ब्रोकर आपके पीछे पड़ जाएंगे। ठीक है, तो गाइस मेरा रिक्वेस्ट है, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस मत डालो, इस वाले नंबर पे मुझे अपना ईमेल एड्रेस और फोन नंबर व्हाट्सएप कर दो प्लीज। ठीक है, यहाँ पे अपना नंबर मत डालो। ओके, सो अब आपको कोई भी कंट्री हो, आपको एक ही चीज देखनी है। श्रेयांश आपको लिस्ट भेज देंगे, उसके बाद आपको खुद को पता चल जाएगा। ठीक है, करण भाई भी पूछ रहे, दोज़ हू फेल टू क्लियर एफएमडी एग्जाम इन इंडिया आर दे प्रैक्टिसिंग इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स और व्हाट आर दे डूइंग। मेरे को इस श्रेयांश का जवाब देना है। हाँ, श्रेयांश भार्गव। हाँ, हाउ इज पीपल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी? होता क्या है, इंडिया में हर्ड मेंटालिटी है, क्योंकि मेरा चाचा का लड़का का फ्रेंड गया हुआ है तो मैं भी जाऊंगा। ओके, और इसी वजह से इतने सालों से ये चल रहा है चक्कर पूरा, और इसी वजह से एमसीआई वालों ने अब ये रिपोर्ट पब्लिश की है। तो आपको एक्चुअल सक्सेस पता चले कि भाई कहां से एमसीआई पास हो रहे हैं। जब आप देखोगे तो पीपल्स फ्रेंडशिप जो यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द हाईली रेटेड यूनिवर्सिटी है इन रशिया, बट जब आप एमसीआई पास करोगे और पासिंग रेशियो देखोगे तो इट इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टॉप वन। टॉप अगर 40% है तो इसकी 20% है। अच्छा, आप समझ गए अभी। सो कहने का आप कह रहे अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं है, बट इफ यू वांट, मतलब ये एवरेज है, बुरा नहीं है। इट इज हाईली रेटेड बिकॉज इट हैज गॉट, इट इज इन द सेंटर ऑफ मॉस्को। ओके, मेरा मतलब पीपल्स फ्रेंडशिप और पिरागो एनआरएम दोनों बैक टू बैक यूनिवर्सिटीज है, एक ही कंपाउंड वॉल है दोनों की, मॉस्को सिटी के सेंटर में है। वन ऑफ द फाइनेस्ट इन आर्किटेक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम्स, एवरीथिंग सुपर्ब। ओके, बट समहाउ पासिंग रेशियोज आर नॉट एज गुड एज इट शुड बी। यू हैव अ चॉइस विच इज बेटर, सो यू, और प्रॉब्लम यह है कि अच्छी जो टॉप यूनिवर्सिटी है, जो रिपोर्ट है एमसीआई का, जब से बाहर निकला है लोग टॉप वाले यूनिवर्सिटी में ही फर्स्ट पहले ले लेते हैं, तो सबसे पहला भर जाता है। तो आपके पास धीरे 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 ऑप्शन जो रहेंगे वो नीचे आते जाएंगे। जैसे एक बहुत प्रमोटेड यूनिवर्सिटी है इंडिया में, वो है त्वेर। अच्छा, वहां बहुत इंडियंस भर भर के जाते हैं। ओके, भर भर के जाते थे, अब जब से पता चला है कि त्वेर का पासिंग रेशियो सिर्फ 16% है, लोग जाना बंद कर दिए। उसी हिसाब से इसका जो आप जब रिपोर्ट चेक करोगे तो पीपल्स फ्रेंडशिप का कितना है चेक कर लो, रैजान का कितना है, दागेस्तान का कितना है, क्रीमिया का कितना है, ये सारा चेक करके फिर सिलेक्ट करो। चाहे रशिया न जाओ कोई वादा नहीं है, आपको जो जिसका स्पेलिंग भी नहीं पता ना किर्गिस्तान का, वो भी चले जाओ तो भी चलेगा, बट पासिंग रेशियो अच्छा होना चाहिए। और इसका कारण बहुत है, पहली चीज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, दूसरी चीज मिनिमम मैच्योरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी और एक्सपीरियंस टू टीच शुड बी 70-80 इयर्स। आप 10-15 साल पुरानी यूनिवर्सिटी में जाओगे या प्राइवेट कॉलेज में जाओगे, जॉर्जिया किर्गिस्तान में प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहां पे जाओगे फंस जाओगे। तीसरी चीज इंडियन मैथ्स होगा तो बहुत टाइम मिलेगा, तो एमसीआई का प्रिपरेशन होगा, नहीं तो नहीं होने वाला, जो बहुत सिलेक्टिव जगह पे है। ठीक है सर, तो ऐसा करते हैं थोड़ा मूव करते हैं। एक चीज बताइए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? आपने कहा पैसा बहुत चाहिए। देखो ऐसा है, लेट मी एक्सप्लेन यूएसए इन केस यू वांट। श्योर। कैसा है कि यूएसए के अंदर बेसिकली जो अमेरिकन स्टूडेंट होता है वो 10+3 का फॉर्मेट है, इंडिया में है वो 10+2 का है। 10+3 के बाद में उसको बीएस का डिग्री मिलता है, वो बैचलर लेवल नहीं है, वो फर्स्ट लेवल डिग्री है, बीएस मिलती है। ओके, जैसे फिलीपींस में मिलती है, पर फिलीपींस में एनमैट की एग्जाम देनी पड़ती है, यहाँ पे ऐसी कोई एग्जाम नहीं। जावेद वो क्लास फ्राइडे को होगी, अभी उसके बारे में सवाल मत पूछो यार, अब्रॉड का डिस्कशन रखते हैं अभी, नहीं तो बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी, कोई भी डिस्कशन कंप्लीट नहीं है, सर कंटिन्यू करेंगे। अर्नब कुंडू बच के रहना, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ बारबाडोस, आपको मैं तरीका दिखाऊंगा कोई भी यूनिवर्सिटी अमेरिका में कैसे सिलेक्ट की जाती है। ठीक है, 3 अक्रेडिटेशंस और अप्रूवल्स और सर्टिफिकेशंस की जरूरत है। अर्नब अपनी करियर बर्बाद मत करना। पहला है एमसीआई अप्रूवल, जो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ बारबाडोस को है।
दूसरा है कैम एचपी, अगर आप रूट कैरेबियन से ले रहे हो तो कैम एचपी जरूरत है, CAAM-HP आप उसको पढ़ सकते हो। और इसका पूरा वेबसाइट पढ़ सकते हो। इट हैज बिकम मैंडेटरी फॉर एवरी कैरेबियन यूनिवर्सिटी ऑफशोर कैंपसेस हैविंग अ मेन ऑफिस इन यूएस ओके टू हैव कैम एचपी अप्रूवल, अदरवाइज दैट cannot continue to teach you. Okay, lot of students are stuck. तो वाशिंगटन यूनिवर्सिटी का नहीं है क्या मैच? कैम एचपी सब सिर्फ इतना पूछो सर, मुझे कैम एचपी का सर्टिफिकेट का कॉपी भेज दो, आई एम रेडी टू टेक एडमिशन ओवर देयर, सिंपल। तीसरा ECFMG सर्टिफिकेशन, ये भी बहुत मैंडेटरी है। अब आप कैसे चेक करोगे ये सब? सिंपल, आपको जाना है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स WDOMS, ये पूरे दुनिया की सभी यूनिवर्सिटी जो अप्रूव्ड है ECFMG में उसकी लिस्टिंग देगा आपको। ये इसको मेंटेन करता है फाइमर, फाइमर करके एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएस में, दे मेंटेन द एंटायर लिस्ट। ओके, सो इफ यू डू नॉट हैव ECFMG सर्टिफिकेशन यू कैन नॉट डू PG इन USA। Okay. और प्रॉब्लम यह है कि यूएस जाने समय तीन फायदे हैं, वो तीनों पीजी लेवल पे हैं। पहला फायदा है एमसीए स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं देना, दूसरा फायदा है जितना खर्चा आप बैचलर में करोगे जी। थैंक यू अर्नब। तो ये तीसरा जो ECFMG है, ये WDOMS.org पे चले जाओ, मैं आपको यहाँ पे चाहे उसकी लिंक भेज दूंगा, मैं वी कैन सेंड इट ओवर हियर। हां लिंक जो लोग यहाँ पे नंबर अपना जिसको जिसको यूएस का इंटरेस्ट है वो उधर लिख के रखना, भाई इंटरेस्टेड इन सो एंड सो कंट्री, इंटरेस्टेड इन दिस, तभी हम लोग रिवर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो गाइस ऐसा करना, इस वाले इस पे अपना नंबर भेज देना, ठीक है, अपना ईमेल एड्रेस भेज देना, मैं कुछ का ईमेल एड्रेस कितना है, ईमेल एड्रेस, और ये बता देना कि आपका बजट कितना है, तो सर आपको बता देंगे कि क्या ऑप्शन बेस्ट है। ठीक है, क्लियर? तो ये वाला इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा गाइस, अपना नंबर, ईमेल एड्रेस और बजट, तो उसके हिसाब से सर बता देंगे। एनी प्रेफर्ड कंट्री। तो सर एक चीज बताइए, ये प्राइवेट ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के अंदर फीस कितनी है? अब आप एग्जैक्टली यूएस विल कॉस्ट यू एग्जैक्टली एज एन इंडियन प्राइवेट कॉलेज, व्हिच इज अराउंड 75-80 lakhs। द फी स्ट्रक्चर इज अप्रोक्सीमेटली 67 lakhs, टोटल फी स्ट्रक्चर फॉर द एंटायर कोर्स ओके इज 67 lakhs। ओके, अब हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट जो ले रहे हैं, जिसको जिसको यूएस जाना है, आपको मैं लिंक दे दूंगा, राइट, दे कैन पार्टिसिपेट इन द टेस्ट। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गेट द स्कॉलरशिप वर्थ 13 lakhs। अभी पहले अनकंडीशनल स्कॉलरशिप देनी थी, वो मिल गई सबको, वो स्टूडेंट्स ऑलरेडी ब्लॉक हो गए, वो सीट्स खत्म हो गई अभी। अब जो मिलेगी, या तो कोई स्टूडेंट को नीट में मिल गया और ड्रॉप आउट हो गया, उसको स्कॉलरशिप अलॉकेट हो गई है, या तो फिर वो स्कॉलरशिप टेस्ट में आ जाए, और 12th का स्कोर, नीट का स्कोर और स्कॉलरशिप टेस्ट का स्कोर, ये तीनों मिलके जो स्कोर होगा उसका एक सिस्टम बनाया हुआ है, और उस फॉर्मूला से उसको स्कॉलरशिप अलॉकेट की जाएगी। तो स्कॉलरशिप इज अप टू 13 lakh rupees, अप टू मैक्सिमम अप टू 12.6 lakhs। सो फीस है करीब 70 lakh बोले आप, 67 lakhs फीस है, आप 55 lakhs तक पहुंच जाए, 68 lakhs है और 55 lakhs तक पहुंच जाएगा। आई थिंक लव अग्रवाल अगर आपके पास है तो आप कपिल सर को उसका स्कॉलरशिप भेज देना, तो उनको क्लियरिटी आ जाएगी पूरी। ठीक है, तो यूएसए के अंदर स्कॉलरशिप क्या 55 lakh में हो सकता है, आप लोग स्कॉलरशिप 55 lakh फीस है,
प्लस आपको 30-35 लाख रुपए 30-35 हजार रुपया रहना खाना पीना वो खर्चा अलग है, ठीक है। ओके सो यू हैव टू बी श्योर दैट यू हैव अ बजट ऑफ अ प्राइवेट कॉलेज इन इंडिया विच इज टू माय नॉलेज इट विल बी नेवर लेस देन 65-70 लाख। बिल्कुल 70 लाख रुपए तक हो तभी आप यूएस का अटेम्प्ट करो। बट अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरे अपने सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को, पीजी हो तो ही जाना, एमबीबीएस के लिए मत पैसा बर्बाद करो, मत अपना टाइम बर्बाद करो। आने के बाद में 5 लाख रुपया मिलने वाला है सैलरी में, अगर जब जॉब लग गया तो आपको सिर्फ जितना पैसा डाला वो रिकवर करने के लिए आपको 5-6 साल निकल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे एक स्टेप आगे बढ़ो, और वो कैसे बढ़ सकते हो, आप बोलोगे सर मेरा बजट ही 30 लाख रुपए का है तो मैं पीजी जाऊं कैसे। आप चाहे चाइना जाओ, रशिया जाओ, यूक्रेन जाओ, किर्गिस्तान जाओ, बेलारूस जाओ, कहां भी जाओ, फ्रॉम थर्ड ईयर एवरी मोस्ट स्टूडेंट विल हैव ऑनलाइन यूएसएमएलई स्टेप 1 कोचिंग। ओके फ्रॉम फर्स्ट डे यू विल हैव एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट का कोचिंग या नेक्स्ट का कोचिंग आ जाएगा अगले साल से। साकेत एडमिशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज विद द स्कॉलरशिप। ओके एडमिशन यू कैन गेट एनी टाइम यू वॉन्ट, ओके राइट अप टू द एंड ऑफ जुलाई, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट पीपल हैव ब्लॉक सीट्स बिकॉज दे नीडेड स्कॉलरशिप्स एंड दे हैव ब्लॉक्ड इट। ओके ठीक है, तो किसको भी अगर वो 12-13 लाख का फर्क नहीं पड़ता और डाल सकते हो तो एडमिशन अभी भी मिल सकता है। और अगर अभी भी ट्राई करो और कोई एक स्टूडेंट अभी, क्योंकि नीट से अभी वन बाय वन अभी स्टूडेंट बता रहे सर। सर एक ही लड़की पूछे कि पूजा रॉय की बीएमएस बेटर है, आयुर्वेदा बेटर है या एमबीबीएस अब्रॉड बेटर? फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू बेटर मतलब क्या होता है, करियर वाइज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाइज, जॉब सेटिस्फेक्शन वाइज, रिस्पेक्ट वाइज? आप ये सब कर रहे हो रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है। एक डॉक्टर बनते हैं ज्यादा करके लोग एक रिस्पेक्ट और वो जो लोगो और व्हाइट कोट पहनने मिलता है वो हम नहीं पहन सकते, मैं भी नहीं पहन सकता मैं, ठीक है। तो वो आपको सिर्फ एमबीबीएस ही दे सकता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली टू माई अंडरस्टैंडिंग दिस, देयर इज आई डोंट हैव एनी रिसर्च ऑन दिस, बट जो मैं कॉमन सेंस अप्लाई करता हूँ, जो मैं इंटरेक्ट करता हूँ उससे बता सकता हूँ मैं पूजा, कि 80% आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं वो प्रोडक्ट्स बेच के कमाते हैं, अपनी सर्वाइवल करते हैं, वो मेडिसिन का प्रोफेशन से नहीं कमा सकते आज की तारीख में, बिकॉज एवरीबडी बिलीव इन एलोपैथी, नोबडी बिलीव इन आयुर्वेदिक सो मच। ओके बता दिया बीएमएस के मुकाबले अब्रॉड। सर यूएसए के अलावा बताइए जो बाकी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। सर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, कनाडा यू वोंट गेट वीजा इजीली, दैट्स द प्रॉब्लम बिकॉज़ दे डोंट नीड हेल्थ प्रोफेशनल्स, दे आर फ्लडेड विद इट। यूएस इसलिए मिल जाता है क्योंकि वहां पे नीड बहुत है, गैप है, एक डेवलप्ड कंट्री को 850। श्वेता वेट कर लीजिए प्लीज, यदि आप नॉन स्टॉप पूछेंगी तो फिर हमारा डिस्ट्रप्शन होगा, तो थोड़ा वेट कर लीजिए, हम नेपाल पे आएंगे अभी। अच्छा एक कॉस्ट का सबको टेंशन है, पहले मैं कॉस्ट का बता देता हूँ। तो सर एक एक का कॉस्ट निकले? नहीं, सबका एक ही झटके में हो जाएगा, ठीक है। एक सिंपल सी बात है, आप कुछ भी करो, ये कोई भी कंट्री पकड़ो एक्सेप्ट जॉर्जिया, जॉर्जिया का क्या है मैं बताऊंगा आपको। ओके ये दोनों मैंने ब्रैकेट में रखे हैं, जॉर्जिया को ब्रैकेट में रखा है, बाकी कोई भी कंट्री, चाइना, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, ये कोई भी कंट्री पकड़ लो, आपका कॉस्ट 20-30 लाख के बीच में, 20-25 लाख सब कुछ मिला के, रहना खाना एवरीथिंग पुट टुगेदर 25-30 लाख। ओके इज इट क्लियर नाउ? एज फार एज नेपाल एंड बांग्लादेश इज कंसर्न, इट इज फिल्ड विद प्राइवेट कॉलेजेस। इसमें एक चीज ध्यान रखना, आपको वो बोलेंगे 3 साल का फीस एक साथ में पे करने, एंड दैट इज वेयर द कैच इज। ओके हाँ सर बताइए बताइए, आप बताइए। आपको 3 साल का फीस एक साथ में पे करना होगा, 30 लाख रुपए का डीडी मांगेंगे यहाँ पे। अच्छा, और वो आप, क्योंकि उसको पता है एक बार हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के बाद में स्टूडेंट भाग जाते हैं, तो और 30 लाख देने के बाद में आप भागोगे नहीं, और चौथा और जो 4.5 साल का होता है वहां पे भी
तो जो 6 महीना बाकी रहता है वहां पे आपको सिर्फ 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए आशा बनाते हैं, और बाकी हॉस्टल और फूड और इंडियन प्रोफेसर मिलेंगे, इंडियन खाना मिलेगा, इंडियन एनवायरनमेंट पूल, आप तो हर 3 महीने में घर पे आया जाया करोगे, बहुत कंफर्ट जोन है नेपाल में। पढ़ाई का लेवल बहुत लो है, पेशेंट्स का फ्लो बहुत लो है, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लो है, प्राइवेट कॉलेजेस ज्यादा हैं, 3-4 कॉलेजेस हैं जिसका एमसीआई पासिंग रेशियो ट्रिमेंडसली गुड, इट्स वेरी नाइस। अच्छा, जैसे नेपाल और बांग्लादेश, नेपाल और बांग्लादेश में सुपर है, आप चेक कर सकते हो। तो एडमिशन लेना चाहिए यदि उन्हें मिल जाए तो। मैं नहीं डालू अपने बच्चे को कभी, क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, मतलब कॉलेजेस का भी। हाँ, जिनका पासिंग रेशियो, आप हॉस्टल में देखोगे सर, एक रूम में 8-8 बच्चे बैठे, वो हाल है। अच्छा, अब लड़कियों को नहीं जमता है, लड़के लोग जैसे जैसे रह लेते हैं, बट दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गर्ल्स ऑल्सो गो देयर, बेसिकली आपसे बेटर कंट्री में जाओ, यू डोंट गो बिलो योर कंट्री, और जा ही रहे हो तो अच्छे कंट्री में जाओ। पूजा, आपको किसी यूनिवर्सिटी का देखने की जरूरत नहीं है, रायजान हो या क्रीमिया हो या दागिस्तान हो, दे आर द टॉप यूनिवर्सिटीज एज फार एज एमसीआई पासिंग रेशियो इज कंसर्न। You can easily get admission through MOOC. There is no problem on that. Within 4 to 5 days, you will get your admission letter. But before you talk about any university, ये मैं सबको बोल रहा हूँ अभी, you first confirm to your own self that I am choosing the right university. Passing ratio देखके बात खत्म हो गया। तो सर एक चीज बताइए, आपने कहा China, Russia, Ukraine, Belarus और किर्गिस्तान, यहाँ पे फीस करीब 30 लाख के आसपास है। किर्गिस्तान में फीस आपको 15 से 20 लाख जिसका बजट है, टोटल खाना पीना सब कुछ मिला। तो चाइना, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस कुछ अराउंड 30 लाख, किर्गिस्तान कुछ अराउंड 15। आई विल से दिस आर ऑल बिटवीन 20 to 25 लाख। चाइना विल बी 25 to 30, रशिया विल बी 20 to 25, ईस्ट यूरोपियन विल बी 20 to 25। ठीक है, अगर किसके पास 30 लाख का बजट हो, मैं आपको अभी, मैं जो बोल रहा था तभी अटक गए हम लोग, मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप मैं बोल रहा हूँ अभी आपको। अगर समझो आपके पास 30-35 लाख का बजट है, 30 लाख का बजट है, बाकी का मैं लोन दिला दूंगा। आई वी हैव टाई अप विद द बैंक्स, यू विल गेट गारंटीड लोन्स इफ योर रीपेमेंट कैपेसिटी इज देयर। ओके, सो पैसे के बारे में सोचो मत, पैसे की यूटिलिटी सोचो। अगर मेरे पास 30 लाख रुपया होता और मेरे को अगर डॉक्टर बनाता, मैं कुछ नहीं देखता कौन से कंट्री में जा रहा हूँ, इट डजंट मैटर टू मी। मैं उस 30 लाख को मैं डिवाइड करता पहले MBBS में 20 लाख या 22 लाख और बाकी का मैं पीजी के प्रिपरेशन के लिए डालूंगा, एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए प्रिपरेशन के डालूंगा। आई विल नॉट यूटिलाइज माय 30 लाख रुपीस फॉर MBBS। ये सबसे बड़ी गलती होती है। आज आप किसी भी MBBS स्टूडेंट को इंडिया के अंदर पूछ लो, कोई भी दोस्त हो, कोई भी ग्रुप हो, कोई भी फेसबुक पे पूछ लो, वो डॉक्टर नेक्स्ट की तैयारी और पीजी की तैयारी जब और USMLE की तैयारी जब वो MBBS कर रहा होता है तभी करता है, MBBS के बाद में नहीं हो सकता, इट्स टू लेट, यू मिस द बस। तो आपका जो 5 से 8 लाख रुपए का बजट उसके लिए रखो साइड में। कंट्री आप समझो, अगर 25 लाख का ही बजट है तो आप बोलोगे सर फिर मेरा MBBS नहीं यूज हो गया, अरे भाई इधर चले जाओ, वो पैसा घर पे FD बना के रख दो, इट डजंट मैटर टू यू। क्योंकि आपका एम किर्गिस्तान में सेटल होना नहीं है, आपका एम पीजी खत्म करने का है। ठीक है श्वेता, आपने मैसेज डाल दिया है, मैं सर को सर को आपका सर एक काम भी करें, एक अपन ये सारे लोगों को जिसको जिसको इंटरेस्ट है उसके लिए वी कैन कीप अ वेबिनार टुमारो, कर सकते हैं सर, ये बता दें कि वाली जिसको जिसको इंटरेस्ट है। हाँ, तो सबको वेबिनार कर लें, हम मैं बॉम्बे में भी हूँ तो आप भी यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं, टाइम यही रखेंगे। या ना अर्शदीप, प्लीज शांति रख लो, अदरवाइज आई विल हैव टू इग्नोर यू, प्लीज शांति रख लो। मैं सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे सेशन पिछले 2 घंटे से चल रहा है, तो प्लीज शांति रखो यार, हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे पर प्लीज पेशेंस रखो। अंजलि नुहारा कह रही है कि सर MBBS एंड PG इज इन 60-70 लाख और डिफरेंट। नहीं नहीं नहीं, दिस इज द क्वेश्चन आई मस्ट आंसर। हाँ अंजलि, ये आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि MBBS में आपने चाहे 20 लाख रुपया खर्चा किया, 25 लाख खर्चा किया, जब आप US में PG करोगे
तब आपको साल का 35 लाख रुपया मिलता है। आप बिलीव नहीं करोगे, ये लोगों को कोई गाइड नहीं करता इंडिया के अंदर। पीजी का पैसा नहीं लगता, इंडिया में 2 करोड़ लगता है, यूएस में यू गेट 1.2 करोड़ टोटल इन 4 इयर्स, 3 साल का पकड़ लो तो 1 करोड़, 90-90 लाख। और आप बिलीव नहीं करोगे, गूगल जाओ, जस्ट टाइप एवरेज स्टाइपेंड ड्यूरिंग रेसिडेंसी फॉर अ मेडिकल फिजिशियन, आप देखोगे $56,000 इज द एवरेज सैलरी पर ईयर फॉर अ रेसिडेंसी पर ईयर, ठीक है। तो यू आर गोइंग टू गेन बाय यू नो, आप एमबीबीएस के लिए 20 लाख खर्चा कर रहे हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यूएसएमएलई के लिए तैयारी करो व्हाइल यू आर डूइंग एमबीबीएस। यू एक्चुअली योर एम इज टू गो। सर कैसे तैयारी करते हैं? आपकी साइट पे ऑनलाइन कोर्सेज का अवेलेबल है राइट? कंप्लीट कोर्स इज अवेलेबल, एवरी स्टूडेंट फ्रॉम यूएसएमएलई का कोर्स अवेलेबल, आंख बंद करके लेते हैं क्योंकि रिटर्न वहीं पे है, इनको रिटर्न एमबीबीएस में है ही नहीं। श्योर, उसको ना रिस्पेक्ट है ना रिटर्न है। श्योर, ठीक है गाइस, तो एक चीज सोच देख लीजिए, आप मोक्ष टाइप कर दीजिएगा गूगल पे, और जैसे मैंने कहा सर ये जो नंबर है इसके ऊपर नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका बजट कितना और कोई प्रेफर्ड कंट्री है वो आप डाल दीजिए, मैं सर को पास ऑन कर दूंगा एंड ही विल प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स, वो आपको यूएसएमएलई के एग्जाम वगैरह के बारे में भी बता देंगे, ठीक है। और गाइस मेरा बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है, आप जैसा देख सकते हैं इस वाले सेशन में काफी सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, काफी सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, तो अंजलि, कुणाल, श्वेता, सब लोग प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, या शुक्ला प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, पूजा रॉय दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है एक मिनट का ब्रेक लेके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे लोग जो लाइव है, फिर हम आगे खत्म नहीं हुआ है, काफी सारे क्वेश्चंस हैं, उन सबका जवाब लेते रहेंगे। उसको करते हुए ही आपको यूएसएमएलई की तैयारी करनी है, धनंजय सर यही बोल रहे हैं कि यूएसएमएलई की जो आपको एग्जाम देना है, एमसीआई स्क्रीनिंग का टेस्ट है या यूएसएमएलई है, उसको जैसे ही आपका एमबीबीएस आप स्टार्ट कर रहे हैं वैसे ही आप इमीडिएटली तैयारी चालू कर दीजिए। मैं आपको इनको प्रोग्राम बता देता हूं। हाँ, जो कैसा होता है, आप यहाँ से एक्स वाई जेड कंट्री में गए, अब धीरे धीरे आप आपके दिमाग से कंट्री का इंपॉर्टेंस निकल जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इट डज नॉट मैटर The university matters, the MCI passing ratio matters, the PG preparation matters. अब आपका perspective change हो जाएगा, होना चाहिए hopefully. पहले साल आप जब जाते हो, मैंने कहा आपको MCI screening test का preparation चालू हो जाएगा आपका पहले ही साल से, पहले हफ्ते के बाद में, जैसे ही lecture चालू होते हैं आपका MCI screening test भी चालू हो जाएगा coaching. तीसरे साल में USMLE स्टेप वन का कोचिंग चालू होता है, रिमेंबर स्टेप वन इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम, दिस विल डिसाइड वेदर यू आर गोइंग इनटू पीजी और नॉट। चौथे साल में आप USMLE स्टेप वन की रजिस्टर के लिए रजिस्टर करेंगे, ओके, एंड वी विल अपियर फॉर द एग्जामिनेशन, आपको उस एग्जाम में 230 मार्क लेके आने हैं और एक ही अटेम्प्ट है, उसके लिए हम लोग NBME का कॉम्प्रेहेंसिव आपको पूरा टेस्ट देंगे, जब तक मल्टीपल अटेम्प्ट नहीं, सो 192 इज पासिंग एंड 230 इज गारंटीज यू फॉर द पीजी, ओके। सो अगर 192 आ गए तो आप पास हो गए, बट अगर 230 नहीं आए, इफ यू डोंट गेट 230 दैट मींस यू हैव लॉस्ट योर चांस फॉर पीजी। Assuming that you have scored 230, fifth year में आपका USMLE 2CK clinical knowledge का coaching होता है 9 महीने का, ठीक है, and sixth year में उसका examination होगा, online exam है, step 1 और 2CK आप दुनिया के कोई भी कोने से दे सकते हो, US जाने की जरूरत नहीं है। 2CK का मजा यह है कि आपको सिर्फ qualify करना है, सिर्फ पास करना है, there is no competition, 240 आ गया, पास हो गए, बात खत्म हो गया, उस सबको आ जाता है। और अभी आपको मैं एक रास्ता दिखाता हूं कितने लोग एक्चुअल में पास होते हैं, कितना डिफिकल्टी है, वो देख के आई कैन टेल यू ऑल ऑफ यू, आई कैन टेल यू फॉर श्योर ऑल ऑफ यू आर गोइंग फॉर यूएस, ओके। लेट मी फिनिश लव अग्रवाल दिस प्रोग्राम, ओके, एंड देन वंस यू हैव कंप्लीटेड
आई हैव वन कॉल फ्रॉम यूएस, आई विल जस्ट टेक इट. ठीक है, क्या दो मिनट वेट कर लेते हैं, सर अभी आ रहे हैं वापस. यस दीपक, यहाँ पे मैसेज डाल दीजिए, मैं सब लोग को आपको कनेक्ट कर दूंगा धनंजय सर से. ठीक है, यहाँ पे आप लोग इस नंबर पे मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको कनेक्ट कर दूंगा सर के साथ. जगदीप, आपके जगदीप बोल रहा हूँ. अर्शदीप, आपके सवाल का जवाब मिल गया है? ओके, ना भैया. अर्शदीप, आपके सवाल का जवाब मिल गया है? सर एक चीज बताइए. ओके थैंक यू. ओके ओके एन आवर. थैंक यू, बाय बाय. यूक्रेन की कौन सी यूनिवर्सिटीज वॉर जोन में? यूक्रेन, आप सिर्फ इतना तो रिसर्च कोई भी कर लेगा. यूक्रेन वॉर जोन मैप इतना टाइप करना है, पूरा ईस्टर्न पार्ट पूरा वॉर जोन में है. ओके, आपको ईस्ट के तरफ नहीं जाना है, जैसे लुहांस्क है, डोनेस्क है, खार्कीव है, ये सब के अंदर मत घुसना. आप कीव तक मत जाओ, कीव सेंटर में है, तो कीव सेंटर है, इस साइड में नहीं जाना है. कीव से जितना लंबा वेस्ट साइड में जा सकते हो उतना जाओ. तो एक चीज बताइए, मैं बताऊं यहाँ पे जल्दी से? हाँ, तो आप बता दीजिए कौन से एरिया से बचना है. ये देखो, ये यूक्रेन है, ये कीव है, ये यूक्रेन को काट देते हैं. यहाँ सबसे ज्यादा झगड़े यहाँ पे हो रहे हैं. कौन कौन सी जगह है ये? लुहांस, लुहांस है, लुहांस LUGANSK, डोनेस्क, डोनेस्क, खार्किव, ओके. सो ये कीव है, ये कैपिटल है उसका. तो आज की तारीख में कीव का बहुत प्रमोशन चलता होगा यूक्रेन में. पर हो सके, हो सके इतना लंबा जाओ यहाँ पे. यहाँ पे लवीव है जिसका पासिंग रेशियो बहुत हाई है, तो इस तरफ जाना है गाइस, इधर से बचना, या यहाँ पे नीचे आ सकते हो, इस वाले एरिया से बचना. I hope that's clear enough. Where university? Where? Arpit Sood पूछ रहा है. I think Arpit Sood. मैंने आपको बताया पहले भी कि आपको त्वेर पहुंचा होगा. आप MCI का passing ratio check कर लो, आपको त्वेर के बारे में समझ में आ जाएगा. ठीक है? It has a passing ratio of 16.9%. Okay, which is one of the below average. ठीक है. तो guys एक चीज सुन लीजिए. ये पासिंग रेशियो वाली चीज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इस वाले नंबर पे आप अपना नंबर, ईमेल एड्रेस, बजट और प्रीफर्ड कंट्री बताएंगे, मैं धनंजय सर से कनेक्ट कर दूंगा. ये आप सबको है ना पासिंग रेशियो वाला डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगे. और आप कुछ यूएसए का भी शेयर करने वाले थे, राइट? हाँ, क्या शेयर करने वाले थे यूएसए का? यूएसए का एक फोन आ गया बीच में ना. आई वॉज एक्सप्लेनिंग देम दैट स्टेप वन थर्ड ईयर में प्रिपेरेशन, एग्जाम फोर्थ ईयर में देंगे. जरूरी नहीं है कि फोर्थ ईयर में दो, बट एम करो कि फोर्थ ईयर में आप देने लायक बन जाओ. 230 मॉक टेस्ट में, कॉम्प्रिहेंसिव एनबीएमई एग्जाम में 230 आ गया तो वी कैन कंटिन्यू विद दैट. ओके, फोर्थ ईयर में 2CK का प्रिपरेशन, फिफ्थ ईयर में 2CK का एग्जाम, मैक्सिमम सिक्स्थ ईयर में 2CK का एग्जाम देके आप खत्म हो गया. यूएस का प्रिपरेशन खत्म हो गया, आप जाओगे सीधा पीजी के लिए. पीजी के लिए यूएस जाओगे, 2CS का एग्जाम देके सीधा रेजिडेंसी कमाना चालू कर दो. 23 साल की उम्र में 35 लाख रुपए कमाओगे. यार कुणाल, ये वाला सवाल यहाँ पे मत पूछो ना. मैंने बताया ना कि आप यहाँ पे मुझे मैसेज डाल दीजिए, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको धनंजय सर के ऑफिस से कोई दे देगा. ठीक है, शुभम का एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है. हाँ, शुभम का जो सवाल है वो टच स्क्रीन है तो आप उससे. अच्छा, सॉरी. हाँ ठीक है, शुभम का. शुभम, शुभम का एक सवाल, एडमिशन किर्गिस्तान. शुभम, वहां पे दो टाइप की यूनिवर्सिटीज है. एक है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है जो गवर्नमेंट की है,
नहीं, दो यूनिवर्सिटी है जो गवर्नमेंट की है, बाकी सारी प्राइवेट है। किर्गिस्तान में प्राइवेट यूनिवर्सिटी मुश्किल से 10 या 15 साल पुरानी होती है मैक्सिमम। उसको ना टीचिंग का एक्सपीरियंस है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, ना हॉस्पिटल अफिलियेशन है। जबकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जैसे किर्गिस्तान स्टेट मेडिकल अकेडमी, ओके, वहां पे हमारा क्लास चालू हो रहा है, MCI का लाइव प्रोजेक्शंस होगा, प्रोफेसर आएगा, MCI का प्रिपरेशन कराएगा। इट्स नॉट ऑनलाइन ओनली, इट्स लाइक अ क्लासरूम विल से किर्गिस्तान इज द फर्स्ट प्लेस वेयर वी आर स्टार्टिंग अप आवर क्लासरूम फॉर MCI एंड USMLE कोचिंग। USMLE के लिए एक है, और अन्नपूर्णा कह रहे हैं सर, इन केस वी कंप्लीट आवर कोर्स फ्रॉम USA देन शुड वी डू वी हैव टू क्लियर USMLE? अरे अर्नब क्या सी बात कर रहे हो यार, हाउ कैन यू कंप्लीट द कोर्स विदाउट क्लियरिंग द USMLE? मैंने बताया आपको, व्हेन यू गो फॉर USA program, it is right up to PG, you have to clear step 1, step 2 and step 3. Without that, you cannot complete the program. Then how can you say, ask me that I complete the program without clearing USMLE? I think you will have to understand the US program in a better way. ठीक है, तो सर किर्गिस्तान का आपने फीस बता दी, नेपाल और बांग्लादेश में कितना फीस है? शुभम, ISM is a private college. For God's sake, I'll put you on to some of the doctors who have failed miserably through ISM in MCI. So talk to them, you'll understand that. Nepal aur Bangladesh mein kya fees hai sir? Nepal aur Bangladesh mein jiska budget 40 se 50 lakh ke beech mein hai, wahi bande ja sakte hain. Ye mehenge hai inse? Haan, Nepal ki private college hai na. Acha, Nepal aur guys, Nepal aur Bangladesh jo hai, guys, Nepal aur Bangladesh jo hai wo China, Kyrgyzstan, Russia, Ukraine aur Belarus se mehenge hai. सर आप जॉर्जिया के बारे में कुछ बता रहे हैं? हाँ, जॉर्जिया के बारे में बताता हूँ। गणेश यादव ने एक अच्छा चीज बताया है, तो आई थिंक आई शुड टेल द पीपल आल्सो दैट यू आर राइट गणेश यादव, एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट इट इज नॉट इवन यूनिवर्सिटी। इसका पूरा वीडियो है मेरे पास, मैं खुद गया था, मैंने असेस किया हुआ है, मैं पूरा किर्गिस्तान घूम के मेरा खुद का वीडियो निकाला है, यूट्यूब पे भी लोडेड है। आप एक चीज ध्यान में रख लो कि एशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी में सिर्फ 2 साल का कोर्स होता है, और तीसरे साल से वही गवर्नमेंट वाली किर्गिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एकेडमी में ही आपको जाना पड़ता है। तीसरे साल से 6 साल तक वहीं पे पढ़ाई करते हैं। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एशियन एंड कगमा बोलते हैं, KSMA बोलते हैं, अलग अलग शॉर्ट फॉर्म्स हैं, तो KSMA में जाते हैं। तो यू आर राइट, बट अगर बजट नहीं है, अगर बजट ही अपना 12-13 लाख रुपए का है, तो एशियन इज द ओनली चॉइस दैट इज लेफ्ट आउट। ओके, ठीक है सर, ये बताइए जॉर्जिया में क्या होगा? 230 इन USMLE ये आ जाएंगे, बिकॉज नीता सिंह का सवाल बहुत अच्छा है। आई थिंक दीज आर द वेरी सेंसिबल लॉट दैट यू हैव गॉट टू हियर। आई कैन टेल यू दैट बिकॉज दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच पीपल डू नॉट आस्क सो ऑफन। आई विल टेल यू श्वेता, एक फंडामेंटल थोड़ा रिसर्च कर लो। 53% ऑफ पीपल हु डू MBBS डू PG इन USA। ओनली 7% ऑफ इंडियन डॉक्टर्स डू PG इन इंडिया। USMLE बहुत इजी है अगर मेहनत करो तो। अगर बायोलॉजी और 400 मतलब आप ऑलरेडी 95-93% पे बैठे हो, आप आंख बंद करके USMLE क्लियर कर लोगे। श्वेता, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट इन माय, इफ यू मेंटेन योरसेल्फ, वहां जाके अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए तो उसका कोई उपाय नहीं होता। ठीक है गाइस, मैं वापस आपसे कह रहा हूँ, आपके जो बहुत सारे सवाल है, स्पेसिफिक जो क्वेश्चन है, आप मुझे यहाँ पे अपना इस वाले नंबर का अपना नाम, ईमेल एड्रेस, बजट और प्रिफर्ड कंट्री बता दीजिएगा, मैं धनंजय सर से कनेक्ट कर दूंगा और वो ये सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे। सर जॉर्जिया का बताइए, जॉर्जिया में क्या पंगा है? जॉर्जिया में बहुत बड़ा पंगा है। आपको सबसे पहला करना है वही जो सबके लिए करते हैं, इंडियन एम्बेसी इन टिब्लिसी या जॉर्जिया, नॉट टिब्लिसी, इंडियन एम्बेसी, देयर इज नो एम्बेसी इन जॉर्जिया टिब्लिसी। ये इतना छोटा कंट्री है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एम्बेसी भी नहीं खोली। देयर इज अ कॉमन एम्बेसी बिटवीन जॉर्जिया एंड आर्मेनिया। अच्छा, अब जॉर्जिया के अंदर व्हेन यू टाइप इंडियन एम्बेसी इन जॉर्जिया, द गवर्नमेंट हैज गिवन यू ह्यूज नंबर ऑफ एडवाइजरीज, बिकॉज बाय नाउ दे नो हाउ यू आर बीइंग फूल्ड। ये बोल के भेज रहे हैं कि भाई ये यूरोप है, सॉरी इट इज नॉट अ यूरोप। यहां पे आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, पढ़ाई करो, वापस आओ। दूसरी बात, यहाँ का जो लिविंग कॉस्ट है वो एज हाई एज यूएस है,
अच्छा थोड़ा सा $100 कम है, तो वो लिख कितना के नहीं दिया है का खर्चा गवर्नमेंट ने महीने का? $400। 400 डॉलर महीने का खर्चा है, और कितना हम लोग 60 महीने की बात कर रहे हैं? हाँ जी, आप करीबन करीब करीब 17 से 18 लाख रुपया सिर्फ खाने पीने पे उड़ाओगे। आज अपन डिनर पे जाते हैं, सोचते हैं 2,000 रुपया खर्चा करेंगे, और 17 से 18 लाख में तो आप सबसे टॉप वाली यूनिवर्सिटी में MBBS खत्म कर सकते हो। तो सर आप स्ट्रॉन्गली रेकमेंड कर रहे हैं कि यदि पैसे ये वाला जॉर्जिया भी नहीं जाना सर चाहिए? इसका फंडा एक ही है, जॉर्जिया में एक ही यूनिवर्सिटी से MCIM से स्टूडेंट्स पास हुए हैं आज तक, तो जब रिपोर्ट आप इनको भेजेंगे तो समझ में आ श्योर जाएगा। और उस यूनिवर्सिटी का जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 24 लाख, 26 लाख प्लस 17 लाख ये वाला। प्लस 17 लाख, 43 लाख में अगर मैं 10 लाख रुपया आप वहां पे 10 नहीं 15 लाख रुपया आप बैंक में रख दो, मुझे सिर्फ 30 लाख रुपया दो। मैं 30 लाख मुझे मत दो, मतलब अपने आप पे खर्चा करो। 30 लाख में आप US में PG खत्म करके बैठे, ठीक है तो चॉइस इज देयर नाउ। गणेश यादव, आपका क्वेश्चन क्या है समझ में नहीं आ रहा। फर्स्ट जो पासपोर्ट, चाहे इसका पासपोर्ट ले लिया क्या किसी ब्रोकर ने? क्या तुम्हारा किसी कोई पासपोर्ट रख लिया क्या ब्रोकर ने? हर्ष मेहता टेंशन मत लीजिए, देखिए जो हम कर रहे हैं ना इसका आइडिया ये है कि यदि आप लोग के पास सारी इंफॉर्मेशन होगी, ये जो पासिंग मार्क्स पासिंग रेशियो वाला है सर जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इस वीडियो को 2-3 बार और देख लीजिएगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। आप लोग के पास यदि सारी इंफॉर्मेशन होगी तो आप सही डिसीजन लेंगे। आपको आधी अधूरी इंफॉर्मेशन जान के दी जाती है और उस वजह से फिर आप फंस जाते हैं। अब गणेश यादव का किसी ने पासपोर्ट रख लिया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी एजेंट को मत देना। पासपोर्ट क्या, 12th का रिजल्ट, 11th का रिजल्ट, 10th का रिजल्ट, कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी भी एजेंट को जरूरत नहीं होता। ये आपको संभालना है, आप बोलो जरा से ये तो लो, नहीं तो कुछ नहीं, मैं जाती हूँ। सर क्या कर सकता है इसका पासपोर्ट रख लिया किसी ने, पुलिस कंप्लेंट जाके करें? वो आदमी के अगेंस्ट में अगर उसके उसको राइटिंग में एक स्पीड पोस्ट से लेटर भेजो, भाई मेरा पासपोर्ट आपके पास है, आपने रखा है, आप मुझे दे नहीं रहे हो, आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड इट बैक और यू टेल मी व्हेन आई कैन कलेक्ट। अगर उसने 3-4 दिन में नहीं दिया तो आप पुलिस में कंप्लेन करो कि मेरा पास। गाइस एक चीज सुन लीजिए, जो धनंजय सर कह रहे हैं ठीक है, किसी भी हालत में किसी को भी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, 11th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, पासपोर्ट, कुछ भी ओरिजिनल नहीं देना है। अब गणेश आपने जो किया है इसका तरीका यह है कि आप उसे स्पीड पोस्ट से इन्फॉर्म करिए या आपके आसपास रहता है तो उसे जाके एक रिटर्न लेटर पकड़ाइए, उसका रिसीट लीजिए उससे कि आपने वो लेटर पकड़ा दिया, और यदि वो 1-2 दिन में वापस नहीं करता तो जाके पुलिस स्टेशन में FIR करिए उसके लेटर अगेंस्ट। पे एक्नॉलेजमेंट देना पड़ता है, उसका लेना पड़ता है, वो एक्नॉलेजमेंट देगा नहीं, इसलिए आपके पास फाइनली एक ही ऑप्शन रहेगा कि स्पीड पोस्ट से वो लेटर भेजो, और उस स्पीड पे उसका जो रिसीट रहता है दैट यू कैन शो इट टू द पुलिस पीपल दैट दिस इज हाउ आई हैव सेंड द लेटर बट आई एम स्टिल नॉट गेटिंग द रिस्पॉन्स, सो देन ही विल गिव यू विद इन 1 आवर। वो जाओ पुलिस को लेके जाओ, 1 मिनट में आपको दे देगा, 1 घंटा भी नहीं। ठीक है गणेश, अटेम्प्ट लिमिट 1 है USMLE के लिए, व्हाट इज द टोटल मार्क्स इन USMLE, एनी नेगेटिव मार्किंग? गाइस ये वाले सवालों का जवाब भी लेते हैं, ये सब है ना, ये थोड़े लोअर लेवल के सवाल हो गए, हम USMLE का डिस्कशन नहीं कर रहे यहाँ पे। तो ये जो नंबर है इस पे अपना ये डिटेल दे दीजिए और धनंजय सर आपको इनके ऑफिस से कोई जवाब दे देगा। सर हमने USA कवर किया, कनाडा में लोग ठीक है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, UK। See, UK has a examination which is called PLAB. The major problem with UK, Australia, New Zealand is the high living cost. आप USA में $800, $700 में तो आराम से आप अपना लिविंग कॉस्ट निकाल सकते हो। UK में लिविंग कॉस्ट है आज की तारीख में ₹80,000 पर मंथ। तो US में भी ज्यादा आया वंस स्टेट यूएस? $800 में आप रहते हो आराम से, आज ओके, यूके में $800 में नहीं रह पाएंगे आप, तो आपका जो कॉस्ट है वो इतना एक्सपैंड हो जाता है कि उसमें जाने वाले बहुत कम होंगे। फिर
ओके, पर यदि किसी के पास पैसे है तो जा सकता है? पैसा हो तो जा सकता है, वहां पे प्लैब करके एग्जाम है और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल AMC का एग्जामिनेशन है और ऑस्ट्रेलिया में कई लोग जाते भी हैं, यूनिवर्सिटी भी है, अगर किसको जाना है तो उसका जो अप्रोक्सीमेट फी स्ट्रक्चर है दिस इज जनरली नॉट अफोर्डेड बाय द मतलब पीपल यहाँ पे मैनेजमेंट वाला सीट ले लेगा जिसको ओके अच्छा ये पॉइंट है मैं बताना है कि समझो आपको मैनेजमेंट का सीट मिल गया, मेरे को एक सवाल का जवाब चाहिए, कोई भी दे सकता है सवाल का जवाब, ठीक है? हाँ ठीक है गणेश। अगर मैं क्या पूछ रहा था इनको, हाँ MBBS में आपको 70 लाख में खर्चा करके, आपको 60 लाख में खर्चा करके या 50-55 लाख 60 लाख में खर्चा करके MBBS की प्राइवेट कॉलेज में, जो इतनी टॉप वाली नहीं है बट एवरेज प्राइवेट कॉलेज है, ओके, उसमें एडमिशन मिल रहा है और आपको पता है कि USA में मुझे सिमिलर कॉस्ट में मेरा वहां पे MBBS प्लस PG का स्कोप मिल रहा है, इसमें से कितने लोग हैं जो इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में ले लेंगे एडमिशन? आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड whether they have understood me or not by now. Guys, इस चीज का जवाब दीजिए, सर कह रहे हैं कि कितने लोग इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में 60-70 लाख खर्च करना चाहेंगे versus going for MBBS abroad. कौन कौन लोग हैं जो US सोच रहे हैं? US में जाएगा, अमेरिका जाने की बजाय इंडिया में 60-70 लाख से सेकेंड क्लास प्राइवेट कॉलेज से कौन कौन लोग एडमिशन लेने के लिए तैयार है? जवाब दीजिए गाइस, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, शुभम कह रहा है ही वुड प्रेफर अब्रॉड एंड शुभम व्हाट वुड बी द रीजन? अमन गुप्ता पता नहीं क्या बोल रहे हैं, इंडिया में लेंगे बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग इज अ प्रॉब्लम इन USA. ओके ठीक है, ओके सो वी हैव टू आंसर्स गाइस, और बताइए थोड़ा एक मिनट वेट कर लेते हैं, लेट पीपल रिस्पॉन्ड गाइस। आप बताइए, आप इंडिया में प्राइवेट कॉलेज प्रेफर करेंगे जहाँ पे आपको अभी तक सीट फीस पता चली गई होगी कि प्राइवेट कॉलेजेस की क्या है, कहीं पे भी 65-70 लाख से कम नहीं है, तो आप बताइए और बाकी लोग जवाब दीजिए। शुभम के लिए हाई लेवल ऑफ एजुकेशन एक रीजन है अमेरिका जाने का, चेतना कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इज अ प्रॉब्लम इन USA, अभी तू विल आल्सो प्रेफर प्राइवेट कॉलेज, ठीक है वेरी गुड गाइस, बाकी लोग जवाब दीजिए जो भी लाइव है। पता नहीं, इट डजंट गो अप बाय इटसेल्फ। कामरू जमान भी कह रहे हैं कि अब्रॉड मतलब उतने बजट में तो US में बात कर रहे हैं, अब्रॉड मतलब रशिया चाइना नहीं, उतने बजट में आपका US खत्म होता है। सर हम स्टडी करेंगे लेकिन पेमेंट आप करिएगा। देखिए अमन गुप्ता, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज गेट आउट ऑफ दिस प्लेस, आपको नींद नहीं आ रही है तो कुछ गोलियां खा लीजिए बट प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम हियर। भारतीय विद्यापीठ 50 लाख डोनेशन मांग रहा है सर, और ये भी सांगली होगा? नहीं, ये विद्यापीठ मांग रहा है या एजेंट मांग रहा है, आकाश सिंह या साकेत? एजेंट नहीं मांगता सर, एजेंट इतना पैसा नहीं रखता। नहीं, एजेंट ने बोला उसको, एजेंट ने बोला होगा, एजेंट ने बोला होगा, वो 50 लाख में से 10 लाख ही लेगा पहले और लेके भाग जाएगा, ठीक है? आकाश सिंह अब्रॉड, इंडिया में लेसर स्कोप एंड स्टडीज आर मोस्ट इम्प्रैक्टिकल। ओके, let me tell you what I am thinking about it, okay? और लास्ट 2 घंटे से या 1.5 घंटे से मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, आपको ध्यान PG पे रखना है, MBBS की वैल्यू नहीं है, आप ये चीज समझ लो। अभी आप एक छोटा सा सर्वे कर लो कल से, तो आप खुद ही डिसाइड करोगे कहाँ जाना चाहिए। कोई भी MBBS जो प्राइवेट कॉलेज से कर रहा है, ऐसे आप जितने लोगों को जानते हो 10, 15, 25, 50, ओके, जिसने MBBS खत्म किया है इंडिया के अंदर प्राइवेट कॉलेज से, उसको पूछो कि सर क्या आप नीट PG क्लियर कर पाओगे, क्या आप PG बन सकते हो, या आपको PG में जाने के बाद भी आपको 2 करोड़ रुपया देके सीट लेना पड़ेगा। सो टेक हिज एडवाइस,
इंडिया के अंदर पीजी करना, अगर आपका विजन ही एमबीबीएस है तो प्राइवेट कॉलेज है, बट अगर आपको पीजी करना है तो ये सोचो कीप दोस टू थिंग्स इन बैलेंस, प्राइवेट कॉलेज वर्सेस यूएस। ओके, प्राइवेट कॉलेज में आपको घर के नजदीक रहना है, 60-70 लाख रुपया खर्चा करना है, ठीक है, बट पीजी का नहीं मिलने वाला बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। नीट पीजी क्लियर करने वाले कितने हैं जरा डेटा जरा तैयार करो। प्राइवेट कॉलेज में से मुश्किल से जितने, अगर 100 लोगों को पीजी क्लियर किया है 100 लोगों ने, तो मुश्किल से 10 लोग होते हैं जो प्राइवेट कॉलेज से होते हैं, मुश्किल से 90 लोग गवर्नमेंट वाले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका जो करियर है वो ट्रंकेट हो जाएगा एमबीबीएस तक ही। दैट मीन्स आप जो सोच रहे हो कि मैं 60-70 डाल के डॉक्टर तो पहले बन जाऊं, वो आगे पीजी नहीं बनने वाले। उसके अगेंस्ट में आप यूएस वाला प्रोग्राम रखो, 70 लाख रुपया रखो सेम कॉस्ट, और आप एमबीबीएस प्लस पीजी का सोचो, तो परसेंटेज ऑफ पासिंग एंड गोइंग टू पीजी इज 53%। यू कैन चेक इट ऑन गूगल, यू कैन चेक इट ऑन AAMC, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन मेडिकल कॉलेजेस, यू कैन चेक इट ऑन NRMP, नेशनल रेसिडेंसी मैच प्रोग्राम ऑफ USA, दे गिव यू ऑल काइंड ऑफ डेटा। सो अगर आपको पीजी बनना है तो यूएस जाओ, अगर आपको एमबीबीएस तक रहना है तो आप इंडिया में रहो, खर्चा दोनों का सेम है। इनफैक्ट आप जब पीजी करोगे तो आपको वहां पे पैसा मिलना है यूएसए, यहाँ पे पीजी करना चाहोगे तो मिलना नहीं है, या तो फिर मिलेगा तो 2 करोड़ तैयार। आई होप यू आर एबल टू नाउ कंपेयर द टू प्रोग्राम्स दैट वेयर इंडिया स्टैंड्स एज फार एज द मेडिकल एजुकेशन इज कंसर्न। किसी ने बोला क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, किसी ने बोला क्या कुछ, सब अलग अलग डिफरेंट चीजें बोल रहे हैं, बट अगर आप पीजी के ऊपर ध्यान रखोगे, MD MS बनना है मुझे, कुछ स्पेशलाइजेशन करना है मुझे, एक जनरल फिजिशियन बन के नहीं रहना पूरी लाइफ, अगर इस चीज के ऊपर फोकस करके रखोगे तो आप कभी प्राइवेट कॉलेज में जाओगे नहीं। इन जनरल मैं बोल रहा हूँ, यहाँ तो बड़ा हाइप है MBBS, बहुत बड़ा हाइप है आपके लिए, एक एडमिशन लेटर मिल गया आप कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे। इन रियलिटी उस हाइप की वजह से आप सोच रहे हो कि मुझे प्राइवेट में भी मिल जाए चल जाएगा, बट आगे का सोचो, 5-5.5 साल के बाद का करियर बनेगा आपका, 5.5 साल में आपका करियर नहीं बनेगा। आप मुझे नहीं बिलीव करो, आप स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं इंडिया के अंदर उनको पूछो, जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनका इंटरव्यू लो, उनका सर्वे फीडबैक लो उनका, कि भाई तुझे कॉन्फिडेंस है, तू पीजी का एग्जाम ले लेगा, क्लियर कर लेगा, क्या तैयारी कर रहा है तू, कितने लोग तेरे सीनियर्स पास हुए, कितने लोग USMLE पास हुए प्राइवेट से, न इंडिया का न यूएस का USMLE क्लियर नहीं कर सकते वो लोग। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट इफ योर विजन इज अप टू पीजी देयर इज नथिंग दैट बीट्स यूएस, इफ योर विजन इज अप टू MBBS इट्स बेटर टू बी इन इंडिया, बट देन स्पेंडिंग 60-70 लाख, 5 लाख का सैलरी, मतलब 12 साल का पैसा जो कमाने वाले हो वो आपने पहले ही कॉलेज के ऊपर खर्चा कर लिया। इट्स लाइक जो ट्रस्ट को पैसा दोगे उसका स्लेव 12 साल तक रहोगे आप, वही पैसा जो आप दोगे वही आज 7 साल रख लो, फिक्स डिपॉजिट में रख लो, बैंक में रख लो, तो वो 1.5 करोड़ हो जाता है। वो आप नहीं करोगे, वो आपको डिग्री देगा इसलिए वो करेगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द होल थिंग। मयंक गोयल, जरा आगे की सोचो, अगर आपको 15-20 लाख में इंडिया में मिल जाता प्राइवेट में, तो नेचुरली इट वुड बी एन यू नो वायबल सॉल्यूशन। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड नाउ। ठीक है, श्रेयांश का क्वेश्चन है, इफ आई गो फॉर यूएसए फॉर एमबीबीएस देन विल आई हैव टू अपीयर फॉर USMLE फॉर पीजी और पीजी इज इंटीग्रेटेड? थर्ड ईयर USMLE स्टेप 1, फिफ्थ ईयर USMLE स्टेप 2 सीखे, इट्स अ स्टैंडर्ड प्रोग्राम फॉर एवरीबॉडी। अब आपको मैं बता रहा हूँ, आप लोग इतना डर रहे हो, आप ये सेशन खत्म होने के बाद में टाइप करना USMLE.org, डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पे जाना, एंड यू विल नॉट बिलीव दैट 96% ऑफ द स्टूडेंट्स हू अपीयर आर पासिंग। USMLE पास करना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आप 230 लेके आना बड़ी बात है, बट वो भी 53% लेके आते हैं। आर यू अबव एवरेज? डू यू कंसिडर योर सेल्फ टू बी अबव एवरेज और डू यू कंसिडर टू बी बिलो एवरेज? इफ यू आर बिलो एवरेज ये रूट लो,
रशिया चले जाओ, फिर यूएस अमेरिका प्रिपरेशन करो, एटलीस्ट एमबीबीएस तो 20 लाख में बन गए। अगर आप अबव एवरेज हो, जैसे आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट गर्ल, सिंह, श्रेया सिंह, 400, श्वेता सिंह 400 नीट, आंख बंद करके चले जाओ, निकल जाओगे आप, क्लोज योर आइज एंड गो। आई होप यू अंडरस्टैंड, यू हैव टू असेस योर ओन सेल्फ इन अ ऑनेस्ट मैनर। मैं किधर खड़ा हूँ, आपने इतनी मॉक टेस्ट दे दी, सर ने दिए होगी कितनी तो मॉक टेस्ट, क्लास में, कोचिंग क्लास में, इधर उधर, अब तो नीट का रिजल्ट हो गया, आप क्वालिफाइड हो, 50% आए तो इंडिया के ऊपर हो ही हो, तभी क्वालिफाइड हो आप, उसमें कहाँ खड़े हो वो देख लो आप, क्या अपने आप को अबव। अच्छा, आप बिलीव नहीं कर रहे हो मुझे, आप गूगल पे और एक चीज टाइप कर लो, मीन एवरेज ऑफ यूएसएमएलई स्टेप वन स्कोर इन विच एवर ईयर यू वॉन्ट, 2014, 15, 16, 13, 12, द एवरेज इज नेवर मोर देन 229. So why they are asking for 230 in USMLE step 1 is because you just have to be above average to ensure that you are getting entry into PG. और इसको भी believe नहीं कर रहे हो कि sir 230 में मुझे मिल जाएगा PG, इसका क्या guarantee है? आप www.nrmp.org, ये जो organization है National Residency Match Program, www.nrmp .org, ये US based organization है, ये बोलते हैं National Residency Match Program, आपके score को US hospital के साथ में requirement को match करता है। आज भी उधर live offers मिलेंगे आपको, ये assume करो कि आज आपने 238 score कर लिया और 2CK से सिर्फ qualifying है, सिर्फ pass हो गए, तो आपको क्या salary मिल सकती है, आपको क्या specialization मिल सकता है, All these things are available on this. कितने students को कितने सालों में उसका पूरा data analytics available है NRMP. सर एक चीज बताइए, मयंक गोयल पूछ रहा है कि MBBS in Indian private college or any other, और उसके आप PG कर सकते हैं क्या US? Of course, every doctor is appearing for USMLE after they do PG, after they complete their MBBS. किसी भी doctor student को पूछ लो, जो medical है, medico बना नहीं है, कर रहा है, तभी से तैयारी कर रहा है, पर उसको ये भी पूछो, बॉस अगर प्राइवेट कॉलेज में से उसको पूछो कितने एमसीआई, हमारा हमारे पैनल पे यूएस के प्रोग्राम का जो आई हैव अनदर पर्सन, ओके, और नीरज, आई विल इंट्रोड्यूस नेक्स्ट टाइम, आई विल ब्रिंग हिम आल्सो ऑन सेशन, एंड ही इज द पर्सन इन इंडिया, द ओनली पर्सन इन इंडिया हु हैज प्लेस्ड मोर देन 800 स्टूडेंट्स फॉर रेजिडेंसी। आज इंडियन स्टूडेंट MBBS कर रहा है और उसको अगर रेजिडेंसी मिलनी चाहिए उसको, तो उसका जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट कर रहा है, ही इज ऑन आवर लिस्ट, ओके ओके। सो कभी किसको यूएस के बारे में और जानकारी, आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट हिज लेवल इज इवन बेटर देन मी एज फार एज दैट यूएस पार्ट इज कंसर्न पोस्ट MBBS, वेयर ही कैन टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट, ओके। चलिए सर, तो ऐसा करें, कुछ और बचा, वुड यू वांट टू शेयर एनीथिंग एल्स? या I think I have covered this no, इससे बच जाओगे आप। फिलीपींस और जॉर्जिया नो है। जिसके पास बजट 15 लाख से ऊपर नहीं है वो किर्गिस्तान में एक ही यूनिवर्सिटी है, किर्गिस्तान स्टेट मेडिकल अकेडमी, एमसीआई का पासिंग रेशियो चेक कर लो, आप दूसरा कोई चूज नहीं करोगे, ठीक है। जिसके पास बजट है 30 to 35, 30 लाख का भी बजट अगर नहीं भी है तो मैं लोन दिला दूंगा, बट MBBS अब्रॉड का मत सोचना। नाउ आई एम समराइजिंग द होल थिंग। So if you go to Russia, Ukraine, China, whatever, China में बहुत कम सीटें हैं, somebody if is interested for China, अगर वो maximum मैं बता रहा हूँ 7 दिन, उसके बाद में मत apply करना, ढूंढना भी मत। तो लोगों जिनको China जाना है उनको जल्दी से apply करना पड़ेगा, that is what? Yeah, Russia में अगर top university चाहिए तो आपको वो report देखना पड़ेगा, research करना पड़ेगा, 30 लाख रुपया दे दो आपको US में PG करा के छोड़ेंगे, ठीक है, चाहे रशिया हो, यूक्रेन हो, चाइना हो, इट डजंट मैटर, 30 to 35 lakhs इज रिक्वायर्ड, दैट्स ऑल। आई थिंक इफ वी गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, वी आर इन अ पोजीशन टू आंसर देम वेरी क्विकली इफ दे वांट द आंसर्स। सर तो बॉटम टू टॉप एक्चुअली क्या है ये, 15 मिनट, ठीक है, 10 मिनट, 15 मिनट, जो जो क्वेश्चन रह गए। साकेत शुभम, यहाँ पे है ना, डिटेल्स भेज दो यार अपने इस वाले नंबर पे, मैं धनंजय सर से कनेक्ट करता हूँ। नहीं अभी हटा नहीं सर, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, इस टाइप के लोग हर एक सेशन में मिल जाते हैं, तो दैट इज फाइन।
मयंक गोयल, लव अग्रवाल, श्रेयांश भार्गव, ठीक है श्रेयांश भार्गव, शुभम तोशनीवाल जवाब दे दिया हमने, अर्णव, साकेत शुभम, साकेत यार यहाँ पे डाल देना मैसेज आपका हो गया, आकाश सिंह, अब्रॉड इंडिया में लेसर स्कोप एंड स्टडी, हाँ ठीक है साकेत शुभम हो गया, यार किसी का कोई सवाल रह गया तो पूछ लीजिए फिर इस सेशन को खत्म करेंगे। खारकी ठीक नहीं है यार यहाँ पे लिखा ना, एक बार हटना सर, यहाँ पे लिखा खारकी ठीक नहीं है, लुआंग क्या बोलते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन, लुहांस लुहांस टोनेस, तो खारकी से बचना है बॉस। ठीक है और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। यहाँ पे ओडेसा मिलेगा, यहाँ पे लवीव मिलेगा, यहाँ पे इवानो मिलेगा और यहाँ पे सुमी मिलेगा, ये चार हैं जो आपको मिल सकते हैं जो इस पार्ट में है, वहां पे जीरो डिस्टरबेंस है, हो सके तब तक लवीव चूज करो, थोड़ा सा महंगा है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख रुपए का फर्क पड़ता है पूरे कोर्स में, पर उसका पासिंग रेशियो सबसे ज्यादा है। फायदा एक है लवीव में खाना नहीं मिलेगा, सेल्फ कुकिंग है, इवानो और ओडेसा में खाना मिल जाएगा। अच्छा इंडियन मैस होती है, ओके ठीक है। सर आपको स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं? हाँ जी 23 तारीख को 1 से 1 to 2:30। अच्छा ठीक है सर, तो लोग ये वाला इंफॉर्मेशन अपना दे देंगे। ठीक है गाइस ये खत्म करते हैं, ओवरऑल सर को थैंक यू बोल दीजिए। ठीक है ये सेशन अच्छा रहा, अभी 2.5 घंटे होने वाले, 2.5 घंटे से चल रहा है, ये नंबर है, ये मेरा नंबर है, इस पे ये वाली डिटेल दे दीजिएगा, मैं आपको सर से कनेक्ट कर दूंगा, सर को थैंक यू बोल दूंगा और फिर ये सेशन खत्म करते हैं। अर्णव कुंडू सर विल कांटेक्ट ऑन व्हाट्सएप, बाकी जो क्वेरी, हाँ तो आप कांटेक्ट कर लीजिए, सब लोग पूछ रहे हैं बार बार, यूएसएमएलई का एग्जाम होता है 308 मार्क का स्टेप वन का, ठीक है उसमें से 192 308 मार्क का है, उसमें से 230 क्वालिफाइंग है, नहीं 230 हाँ पीजी के क्वालिफाइंग है और 192 पासिंग है। एक चीज याद रखो कि अगर 192 भी आ गया तो आपको ECFM की सर्टिफिकेशन मिलेगा और उससे आप पूरी दुनिया में काम कर पाओगे। आप जरा ECFM की सर्टिफिकेशन का वैल्यू का आपके ऊपर आप जरा इसका यू नो थोड़ा रिसर्च कर लो, ठीक है तो आपको उसका वैल्यू समझ में आएगा, वो सिर्फ US में मिलता है। ओके तो ये ECFM की सर्टिफिकेशन आपको अगर आपके दम नहीं है या आप नहीं कर पाए 230 तक, 192 96% पास होते हैं, तो ये मैं जो बोल रहा था आपको मन की तसल्ली के लिए usmle.org पे चले जाओ, मेन मेन्यू के अंदर आपको स्कोर्स एंड ट्रांसक्रिप्ट करके एक ऑप्शन आता है, क्लिक करो उसके अंदर राइट हैंड साइड बॉक्स आता है जिसमें परफॉर्मेंस डेटा दिया गया है पिछले आई थिंक फ्रॉम 1996 तक से आज तक का, तो करीबन इनफ 20 ईयर्स का डेटा है, उसमें आप स्टेप वन पे क्लिक करो आपको पूरा डेटा मिलेगा, स्टेप टू ईयर सिलेक्ट करके चेक कर सकते हो, स्टेप वन 94% स्टूडेंट्स पासेस, अगर वो MBBS प्लस MD पूरा US से करते हैं 94% होता है, अगर स्टूडेंट्स इंडिया से रशिया से चाइना से ऐसे स्टूडेंट जो USMLE देते हैं और हमारा ऑनलाइन कोचिंग जो लेते हैं उसका पासिंग रेशियो 78% है। वेरी गुड एक्सेलेंट, ठीक है। चैतन्य शिर्के ने क्या पूछा, हाँ चैतन्य सर ने बताया था ना यूक्रेन में, वो कह रहा है कि 30 लाख के अंदर MBBS और PG दोनों हो सकता है। हाँ हाँ 100% नो डाउट अबाउट इट। वो स्नैप किए हुए पिक फर्स्ट में उसका आंसर प्लीज। अच्छा चलो देख लेते हैं कि क्या आंसर। गणेश यादव नहीं भूले, गणेश यादव नहीं भूले, तो चलिए लेट्स गो थ्रू दोस क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चन थे। लव अग्रवाल क्या पूछ रहा है सर, 230 से काम होते हैं यार, जवाब दे दिया, 230 से कम होता है तो क्या होता है, तो आप एक बार वीडियो वापस देख लीजिएगा, ठीक है 230 नहीं ये बहुत इम्पोर्टेंट, नहीं तो आपने बताया 230 से कम है तो आप बाकी जगहों पे उस 192 पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और वो 96% लोग के आते हैं जो यूएस। हाँ, पर इसमें एक ही है कि 230 एक रेफरेंस है, फिर अगर आपको 225 आया लव तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इट डजंट मीन यू वोंट गेट पीजी, you will have to replenish it with some experience over there, okay? तो वो आपका जो CV बनता है उसके ऊपर पूरा depend रहता है। ये जो match program है उसमें सिर्फ आपके marks नहीं जाते, step one के marks, step two CK के marks, उसके साथ में आपने कौन सा specialization में elective rotation किया है fifth year में,
उसके साथ में कौन से हॉस्पिटल में गए थे जो क्लिनिकल रोटेशन किया, फिर कितना एक्सपीरियंस लिया है, तो वो सब लेके इंटरव्यू होता है रेजिडेंसी का पहले यूएस के अंदर, ओके, और तब जाके आपको रेजिडेंसी मिलती है। तो वो 230 एक रेफरेंस है जो गारंटी देता है, 225 पे भी मिल जाता है। आप जब एनआरएम भी ढूंढोगे तो आपको समझ में आएगा 222 वाले को भी मिला है, बट वो बहुत मुश्किल से मिला है, उसने 2 साल अपना घिसा था हॉस्पिटल में, तब जाके उसको चांस मिला। साकेत एक चीज समझ लीजिए, अमन गुप्ता टाइप के कैरेक्टर है ना, आपको लाइफ में सब जगह मिलेंगे। इन लोगों का बेस्ट सोल्यूशन होता है कि जब हाथी निकलता है तो बहुत सारे लोग भौंकते हैं तो इग्नोर करते हैं, ठीक है, तो इग्नोर कर दीजिए, ही विल गो अवे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो अमन को इग्नोर कर दीजिए, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। यार गणेश एक बार सवाल देख लेते, कौन कौन से थे, कौन से कंट्रीज में जा सकते हैं वो कवर कर लिया, लैंग्वेज इश्यू कहाँ का सब, पहले भी यहाँ पे लैंग्वेज इश्यू कहाँ का, एक फिलीपींस में लैंग्वेज इश्यू नहीं है, बाकी हर एक जगह पे लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, लोकल लैंग्वेज चाइना में सीखने में टाइम लगेगा, बाकी जगह पे एक साल में कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एक्सपेंसेस, वो हमने कवर कर लिया, एमसीआई का जो रिटर्न टेस्ट है वो कवर कर लिया, एमसीआई का रिटर्न टेस्ट इनको समझ में आना चाहिए, एफएमजी स्क्रीनिंग टेस्ट कोचिंग हैज टू बी स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, ठीक है, गिव यू द प्रिपरेशन कोचिंग वर्क फॉर दैट, दैट इज व्हाई मोक्ष इज पॉपुलर, दैट वी डोंट सेंड, एडमिशन लेटर नहीं है हमारा, आपको करियर बिल्ड करके देंगे, द एंड ऑफ द स्टोरी, ठीक है गाइस। तो सर कह रहे हैं कि एमसीआई का जो रिटर्न टेस्ट है उसकी कोचिंग पहले दिन से स्टार्ट कर देनी है, उसकी ऑनलाइन कोचिंग्स अवेलेबल होती है, मोक्ष में भी अवेलेबल है, अब आपको नहीं लेनी है एमसीआई, याद रखना आप छूट गए उसमें से, क्योंकि यूएसए वाले हैं, उनको एमसीआई से छूट गए, ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ अब्रॉड डिग्री, ये सब हो गया। सर एक क्वेश्चन ये था कि यदि एमसीआई टेस्ट क्लियर नहीं किया तो उस कंट्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट उन कंट्रीज में प्रैक्टिस क्या करोगे, मतलब वो भी पॉइंट नहीं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसने पूछा था, ये किसी ने पूछा था। एक चीज याद रखो, आप इतना बड़ा डिसीजन लाइफ का ले रहे हो, 3 बैकअप रखो अपने साथ में, ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है पूरे सेशन का। एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट इज योर फर्स्ट रिक्वायरमेंट, जिसकी प्रिपेयर आप पहले दिन से करोगे या पहले वीक के बाद में करोगे। अगर आपको लगता है कि मैं कोप अप नहीं कर पाऊंगा या आप फेल हो जाते हो, तो उसी के लिए यूएसएमएलई स्टेप 1 आता है बीच में। जो बंदा यूएसएमएलई स्टेप 1 देता है उसको एमसीआई की जरूरत नहीं है। आप mciindia.org पे उसका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, जो बंदा यूएस से पीजी करके आता है उसको एमसीआई की जरूरत नहीं है। तीसरा, अगर आपको यूएसएमएलई स्टेप 1 में 4th साल में 230 से ऊपर नहीं आया, We will give you online German language coaching. This is your third backup. आपको directly कहां से भी हो आप, आपको MD in Germany दिया जाएगा. You but only problem Germany का ये है कि आपको settle वहीं पे होना पड़ेगा. India में वो degree valid नहीं है. जैसे US की degree MD की यहाँ पे direct registration होता है, वैसा आपका Germany का direct registration नहीं होगा. Hardly 10% of the universities are approved back in India at MD level. So don't depend on that. Germany गए MD के लिए तो वो last option है, वो अपनी step नहीं है, वो भी puncture है तो खत्म है फिर India में pass करना ही। Does any difficulty come in judgment of diseases after coming from abroad studies in India? क्योंकि abroad में climate different होता है। जो तो malaria है, TB है, polio है, basic जो चीजें नहीं है वहाँ पे श्रेयांश। आपका एमसीआई का जो प्रिपरेशन है, वीडियो लेक्चर्स है, लाइव लेक्चर्स है, जो आपको मिलेंगे वो कवर करेंगे, थोड़ा तो फर्क पड़ना ही पड़ना है, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर आल्सो आपका थोड़ा खत्म कर देता है, ओके। तो सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट्स और पीजी का पर्सपेक्टिव आर द ओनली सॉल्यूशंस फॉर यू इफ यू रियली वांट टू बिकम अ गुड डॉक्टर, बाकी तो सारे डॉक्टर बन के आते हैं, ठीक है। तो आई थिंक गणेश सारे क्वेश्चन कवर हो गए, ठीक है। 2 घंटे 34 मिनट हो गए 10 बजे से नॉनस्टॉप, सो इट वाज फिनोमिनल सर। एक बार ये नंबर है, और अमन मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपने दमे तो इस नंबर पे मुझे मैसेज कर देना, आप कह रहे थे मुझे मैसेज करके कुछ बोलेंगे, तो ये मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अमन भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिटेल दे दीजिए, फिर मैं आपको धनंजय सर से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। चलिए।
थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग, इट वाज फैंटास्टिक टू मीट यू ऑल यार, व्हाट अ टाइम टू कंडक्ट द सेशन यार, कपिल जी के साथ में रहूंगा तो ठीक है सर, फैंटास्टिक, चलो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय।